राइट देन, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। स्वागत है जी आप सभी का आज के सेशन में, और आई होप मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी बच्चों को। शुरू करेंगे हम लोग आज का हमारा सेशन, आज की वार्तालाप, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक लास्ट के कुछ पार्ट है जिसमें हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर के 2017, 2018 एंड 2019 के जो भी हमारे PYQs हैं उनको सम अप किया, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद मतलब आज का लास्ट सेशन है। और आज के सेशन में हम लोग कैट 20 एंड कैट 21, इनके जितने भी हमारे PYQs हैं वन बाय वन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। और बाकी जैसे मैंने पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि हमारे ये जो PYQs होते हैं इनको करने के बेनिफिट क्या है, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यार एग्जैक्ट डिफिकल्टी लेवल आपको पता लगता है आपके एग्जाम का क्या है, आपके जो लॉजिकल शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो एग्जाम में अप्लाई होती भी हैं, मतलब अगर हम PYQs को ट्राई करें तो उसमें यूज होते हुए वो हमें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं वो जानना जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे एग्जाम के लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी है, ये कुछ एक बातें हैं जिनका आंसर हमें मिलता है थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वन बाय वन इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेशन मैंने 1 PM का रखा था, बट आई थॉट कि यार आज AIMT था उसमें बच्चे परफॉर्म कर रहे होंगे, सो आई थॉट कि थोड़ा सा लेट रखेंगे सेशन। ओके, गुड, हेलो हार्दिक, गुड इवनिंग शांभवी। शुरू करते हैं यार, आते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे, दैट इज ऑफ कैट 20, ठीक है। तो कैट 20 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का। एक बार आप लोग ट्राई करें, सही गलत वट एवर बी द मेथड। क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन को समझ लो, कहता है कि लीविंग होम एट द सेम टाइम अमल रीचेस ऑफिस एट 10:15 AM इफ ही ट्रेवल एट 8 km/h एंड एट 9:40 AM इफ ही ट्रेवल एट 15 km/h। तो शॉर्ट में बात करूं तो वो ये कहना चाह रहा है कि अमल जो है वो अगर 8 km/h की स्पीड से चलता है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि अमल अगर 8 km/h की स्पीड से चलता है तो ये अपने ऑफिस पहुंचता है 10:15, ओके। और वहीं अगर ये 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चले तो ये अपने ऑफिस पहुंचता है दैट इज 9:40 पे, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लीविंग होम एट 9:10, अगर 9:10 ये अपने ऑफिस से निकलता है, एट वॉट स्पीड इन किलोमीटर पर आर मस्ट ही ट्रेवल सो एज टू रीच ऑफिस एग्जैक्टली एट 10 AM। तो अगर वो एग्जैक्टली 10 बजे ऑफिस पहुंचना चाहता है और 9:10 पे वो निकला है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12, 11, 13 या 14। अभी के हिसाब से हार्दिक ठीक है, अगर आपने 9 करेक्ट करे हैं तो अच्छा है। नमस्ते लिबरल हिंदू उदय, हेलो, हाय, हेलो सभी बच्चों को। ओके, सो क्या होना चाहिए आप सबके हिसाब से आंसर, चलो एक बार डिस्कशन करें। देखो कभी भी हमारे सामने, जब मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराए, जब आप एक सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से कवर करते हो, ठीक है, एक सेम डिस्टेंस को अगर आप दो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहे हैं और आपको टाइम डिफरेंस पता है, तो हालांकि डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई किया अपॉन में दोनों स्पीड को माइनस के इनटू में टाइम डिफरेंस, है ना। तो डिस्टेंस तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन बात डिस्टेंस की नहीं है, यहां पर और भी कुछ पूछा गया। कहता है कि अगर वो 9:10 मतलब 9:10 पे अपने ऑफिस से निकले, घर से निकले, और ऑफिस उसे 10 AM पहुंचना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये सब बातें भी हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं जानने में इंटरेस्टेड है, तो आपको बताना है कि क्या सही आंसर इसका होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से, हालांकि देखो अगर मैं आपको यहां पे बात करूं, देखो जो सेकंड आपको एनीवेज ये जो स्टार्टिंग की दो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके थ्रू कहीं ना कहीं मैं अगर डिस्टेंस निकाल लेता हूं, मान लो मेरा डिस्टेंस आ गया, राइट, स्टार्टिंग की दो इंफॉर्मेशन से मैंने डिस्टेंस निकाल दिया। अब अगर मुझे डिस्टेंस पता लग गया है तो मुझे जानना क्या है, दैट इज कि यार 9:10 पे अगर मैं अपने घर से निकला और मुझे ऑफिस पहुंचना है 10 AM, है ना, मुझे ऑफिस पहुंचना है 10 AM, तो बेसिकली मुझे जो डिस्टेंस है उसे कवर करना है विद इन 50 मिनट में कवर करना है। तो ऑब्वियसली मैं स्पीड बता सकता हूँ, स्पीड क्या होगी, दैट इज जो भी मेरा डिस्टेंस आएगा उसे मैं 50 मिनट से डिवाइड कर दूंगा, मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, वो एक अलग बात है। तो इट मींस कि मुझे डिस्टेंस ही चाहिए, है ना, मेन क्या है, मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, कैसे, जैसे मैंने बताया था, अगर किसी भी एक सेम डिस्टेंस को आप दो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहे हो, जैसे पहले आप इसको कवर करते हो विद 8 km/h तो आप ऑफिस पहुंचते हो 10:15 पर, और फिर जब आप कवर करते हो डिस्टेंस विद द स्पीड 15 km/h तो आप ऑफिस पहुंचते हो 9:40 पर। तो अगर कहीं ना कहीं टाइम डिफरेंस देखा जाए, टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, 9:40 से 10:15,
9:40 से 10:15 टाइम डिफरेंस कितने का हो गया, 35 मिनट का। अगर मैं कहीं पहले 10:15 पे पहुंचता था और अब मैं 9:40 पे पहुंच रहा हूं, तो 35 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करो, अपॉन में दोनों स्पीड को माइनस करो, इंटू में टाइम डिफरेंस, दैट इज 35 मिनट, मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। देन आप कैलकुलेट कर लेना। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर होगा क्या कि ये 7 इस 35 को 5 पे कट करेगा, राइट, 15 इसको 4 पे कट करेगा, 4 इसको 2 पे कट करेगा। इन शॉर्ट आपका जो डिस्टेंस है दैट विल बी 20, दैट विल बी 10 किलोमीटर, सॉरी दैट विल बी 10 किलोमीटर। अब यही पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको कितनी देर में कवर करना है, अब ये डिस्टेंस आपको कवर करना है कितनी देर में, तो आप 9:10 पे निकले और आपको पहुंचना है 10 AM, तो बेसिकली आपको डिस्टेंस कवर करना है 50 मिनट में। तो आपकी स्पीड क्या होगी, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन जो भी डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर अपॉन टाइम 50 मिनट, मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करोगे, जो एनीवेज ऊपर ही चला जाएगा। 50 को डिवाइड करूंगा 60 से तो वो 60 ऊपर ही जाना है न्यूमरेटर में, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 12। तो आई होप यार ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर है, राइट। कृष्णा, शांभवी, कनिष्क वगैरह जो भी बच्चे हैं, सभी को समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मैंने आपको सिंपल बता रखा ना, कभी भी एक डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर किया जाता है, राइट। लेट से मान लो ये पॉइंट ए है, पहले आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हो विद द स्पीड एक्स किलोमीटर पर आर, ठीक है। फिर आप अगेन मान लो फिर वही सेम डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो विद द स्पीड वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। और आपको टाइम डिफरेंस पता है कि दोनों केसेस में टाइम डिफरेंस कितना है, लेट से ये आपको पता है, तो ऐसे में डिस्टेंस निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई किया, अपॉन में माइनस किया और इनटू में टाइम डिफरेंस, है ना। सीधा से फॉर्मूला लगा सकते हैं और यही फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, आई होप क्लियर है सभी बच्चों को। तो आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का। अच्छा आप में से एक आप सभी बच्चे बताना कितनों को यह बात पता है कि कभी भी हमारे सामने, मतलब मान लो आपके सामने तीन केसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन केसेस हैं, ठीक है। अगर इन तीनों केसेस में, अगर इन तीनों केसेस में आपके सामने तीन केसेस हैं, तीनों केसेस में अगर स्पीड आपकी, जो आपकी स्पीड होती है, अगर स्पीड एपी की फॉर्म में है, तो जो टाइम लगता है, तो जो आपको टाइम लगता है दैट विल बी इन जीपी, राइट। या फिर अगर आपकी जो स्पीड है वो जीपी की फॉर्म में है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, स्पीड अगर एपी की फॉर्म में तो टाइम आपका एचपी की फॉर्म में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। या फिर अगर आपकी जो स्पीड है वो, एक मिनट रुको मैं दोबारा ढंग से लिखता हूं। अगर आपके सामने तीन केसेस है, लेट्स से फर्स्ट सेकंड और एक और केस है थर्ड केस, आपके सामने तीन केसेस है या चार केसेस, वट एवर, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार या पांच केसेस भी हो सकते हैं, उन सभी केसेस में अगर जो स्पीड है, उन सभी केसेस में जो स्पीड मैंने मेंशन कर रखी है, अगर लेट से स्पीड आपकी एपी की फॉर्म में है, तो जो टाइम लगता है तीनों केसेस में वो एचपी की फॉर्म में होता है। एंड इसी तरीके से अगर टाइम आपका एपी की फॉर्म में है तो जो स्पीड है वो एचपी की फॉर्म में होगी। ये बात सभी बच्चों को पता है, यस और नो? हार्दिक, शांभवी, क्योंकि जब मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाया था, एमर्स बैच पे चले जाना, तो एमर्स बैच में काफी सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एमर्स बैच की, तो एमर्स बैच में मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में बात करी है, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में मैंने इन डेप्थ इन डिटेल बात करी है, तो उसमें मैंने आप लोग को ये बात सिखा रखी है क्या कि अगर दो केसेस हैं, दोनों केसेस में स्पीड अगर एपी की फॉर्म में तो टाइम एचपी, सॉरी दो से ज्यादा केसेस है, लाइक तीन या चार केसेस है, तो उनमें स्पीड अगर एपी की फॉर्म में तो टाइम एचपी की फॉर्म में होगा, या टाइम एपी की फॉर्म में तो स्पीड एचपी की फॉर्म में होगी। ये बात पता है ना सभी को? आता हूं मैं आंसर पे, आता हूं नमन, 82 आंसर है आपका कहना। देखो अब ना यहां पर आप इस बात को सुनना, यहां से मेरा पॉइंट क्या कहने का, इसलिए आप ध्यान से सुनना, है ना। देखो यहां पर अगर आप देखोगे आपके सामने तीन केसेस है, क्या कहता है, दो पर्सन है वॉकिंग बिसाइड अ रेलवे ट्रैक एट रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स लाइक अगर ट्रेन ऐसे मूव कर रही है मेरी, तो पहला वाला जो आदमी है वो भी ऐसे मूव कर रहा है और सेकंड पर्सन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अ ट्रेन कम्स फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, तो दो बंदे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक ट्रेन क्या होती है, यहां पर देखना आप,
क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कि ये पहला आदमी है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सेकंड आदमी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। दो आदमी है जो 2 और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब एक ट्रेन आती है और ट्रेन जो है इनको क्रॉस करती है, अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, उनके पीछे से एक ट्रेन आ रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में आ रही है जो इनको 90 और 100 सेकंड में क्रॉस करती है। तो आपको बताना है कि ये जो ट्रेन है वो एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को, एक इलेक्ट्रिक पोस्ट जो है या फिर पोल आप कह सकते हो कि ये जो ट्रेन है एक पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर ध्यान से बात को समझना, अगर मान लो जो इलेक्ट्रिक पोल है, जब मेरी ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करेगी तो मान लो आपकी जो ट्रेन है उसकी स्पीड एक्स है, आप मान लो जो आपकी ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, एक्स है, तो जब ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो एक्स की स्पीड से ही पार करेगी, जब ट्रेन पोल को पार करती है, जैसे ये पोल है। अब मैं जानना चाहता हूं ट्रेन इस पोल को कितनी देर में पार करेगी, तो अगर ट्रेन की स्पीड है 20 तो ट्रेन 20 की स्पीड से इसको क्रॉस करेगी, राइट। अब वही ट्रेन जब पहले आदमी को क्रॉस करती है, अच्छा पहले आदमी की स्पीड है 2, फर्स्ट मैन की स्पीड कितनी है 2 है, और ट्रेन की स्पीड है x एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि x माइनस 2 स्पीड से क्रॉस करेगी ट्रेन, पहले आदमी को x माइनस 2 की स्पीड से क्रॉस करेगी, और ट्रेन सेकंड पर्सन को उसकी स्पीड कितनी है 4 है, तो ट्रेन अगले पर्सन को क्रॉस करेगी x माइनस 4 की स्पीड से। तो अगर आप कहीं ना कहीं ये स्पीड देखो, पहला लिखा x फिर x माइनस 2 x माइनस 4, यानी जो स्पीड है वो एपी की फॉर्म में है, तो जो टाइम लगेगा, अब ट्रेन इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितनी देर में पार करेगी नहीं पता, और पहले पर्सन को पार क्रॉस करती है 90 सेकंड में, सेकंड पर्सन को क्रॉस करती है 100 सेकंड में, तो टाइम आपका ऑब्वियसली एचपी की फॉर्म में होगा। आई होप ये बात क्लियर है, राइट। अगर क्योंकि मेरा जो मेरी जो स्पीड है वो एपी की फॉर्म में, तो टाइम आपका एचपी की फॉर्म में होगा। क्लियरिटी है सभी बच्चों को? अब यहां पे पॉइंट ये है कि सर एक बात कि अगर आपके सामने तीन नंबर है एबीसी, राइट, तीन नंबर है एबीसी, तो लेट से इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, क्योंकि जो बी है वो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर के, अगर ये तीनों नंबर एचपी की फॉर्म में है तो जो बी है वो इन दोनों नंबर का हार्मोनिक मीन है, तो बी कैसे निकलता है, दैट इज 2ac/a+c, ऐसे करके निकलता है। तो यहां पर अगर ये तीनों नंबर आपके एचपी की फॉर्म में है तो जो 90 है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है, यानी 90 इज इक्वल टू होगा 2t इंटू 100, यानी 2 इंटू टी इंटू 100 अपॉन में t+100, एंड यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके टी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 82 आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर सभी बच्चों को? तो मेन क्या होता है, थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन का खेल होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, राइट, और अगर आप ऑब्जर्व, हालांकि मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह ऑब्जर्व कर गए कि यार ट्रेन जब इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करेगी तो एक्स की स्पीड से क्रॉस करेगी, फर्स्ट मैन को वो एक्स माइनस 2 की स्पीड से क्रॉस करेगी, सेकंड मैन को एक्स माइनस 4 की स्पीड से क्रॉस करेगी, तो जो तीनों स्पीड है वो एपी की फॉर्म में है, तो जो टाइम लग रहा होगा वो एचपी की फॉर्म में होगा, और 90 जो है 90 इन दोनों नंबर का हार्मोनिक मीन होगा, तो 90 इज इक्वल टू 2 इंटू टी इंटू 100 अपॉन टी प्लस 100, तो यहां से टी की वैल्यू 82 आएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? एक मेथड तो ये है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड तो ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, एक और मेथड देखते हैं जो नॉर्मल प्रोसेस है, अब जरा उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है उस पे बात करते हैं। देखो, जब आपकी ट्रेन फर्स्ट पर्सन को क्रॉस करेगी, ठीक है, अब जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो अगर ट्रेन की लेंथ है, लाइक मान लो ट्रेन की लेंथ 200 है, तो जब ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो वो कितनी लेंथ कवर करेगी, दैट इज 200, ओके। तो यहां पे लेंथ डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड का फंडा यूज होगा। अब ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो एसटी मान लो, आदमी की स्पीड 2 है लेकिन जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 5/18 भी कर दो, राइट, और कितनी देर में क्रॉस करते हैं, दैट इज इन 90 सेकंड, तो दिस इज 90। फिर इसी तरीके से ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर ऐसी जो ट्रेन है वो दूसरे आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो मेरी ट्रेन की लेंथ है वही एलटी और जो स्पीड है वो एसटी माइनस 4 और इनटू में हो जाएगा 5/18 और ये इसको क्रॉस करती है 100 सेकंड में, 100 सेकंड में, डन। अब जब आप इक्वेशन 1 को डिवाइड करोगे इक्वेशन 2 से, तो एलटी से एलटी डिवाइड होगा 1 आएगा,
और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 5/18 से 5/18 कट जाएगा और 90 और 100 कैंसिल आउट होके 9/10 आएगा, तो ये हो जाएगा ST-2 अपॉन ST-4 और इनटू में 9/10। क्या ये बात क्लियर है सभी को? राइट, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि मुझे पता है क्या आएगा, राइट ना। अब जैसे यहां पर 10 इंटू होगा तो 10ST-40, और ये मैं यहां पे लिख देता हूं रफली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 9ST माइनस में 9 2 18, ये हो जाएगा 10ST माइनस में 4 10 40। तो इन शॉर्ट 10ST-40 इज इक्वल टू 9ST-18, तो ST की वैल्यू 22 आएगी। तो ये सब चीजें थोड़ी जल्दी कर लिया करो डायरेक्ट रफली फटाफट से। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने पूछा है कि ट्रेन इलेक्ट्रिक पोस्ट को कितनी देर में पार करेगी, तो जब ट्रेन इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करेगी, राइट, अच्छा एक सेकेंड, पहले हमें ट्रेन की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ट्रेन की लेंथ। तो उसके लिए जो 22 है ना, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, लाइक मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में डाला, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी? अगर मैं यहां 22 पुट करता हूं तो 22 में से 2 माइनस करोगे, है ना, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 22 माइनस 2 इंटू में 5/18 और इंटू में 90, ठीक है। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आएगी, 18 इसको 5 पे कट करेगा, ये आपका 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू 5 यानी 500, तो ट्रेन की लेंथ है 500। अब जब ट्रेन इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करेगी, राइट, इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ, मतलब ट्रेन जब पोस्ट इलेक्ट्रिक, मतलब एक पोल को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ ही लोगे, दैट इज 500। अब ट्रेन की स्पीड, जब ट्रेन इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार करेगी तो अपनी ही स्पीड से क्रॉस करेगी, ट्रेन की स्पीड 22 है, तो 22 इंटू 5/18 और इंटू T4 टाइम, देन आप कैलकुलेट कर लेना टाइम की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 82 आ जाएगी। मतलब ये है आपका नॉर्मल प्रोसेस। हालांकि यार ये छोटी छोटी सी इक्वेशंस बनती हैं तो इनमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आप तरीके से करो तो इनमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग कोई प्रोसेस है ये, क्लियर है ना सभी को? तो एक मैंने बताया कौन सा तरीका, कि अगर आप ऑब्जर्व करते तो एक तो ये एपी एचपी वाले फंडे से भी हो रहा है कि स्पीड अगर एपी में है तो टाइम एचपी में होगा, वहां से जल्दी कैलकुलेट हो गया था। नहीं तो आप ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस कर रही होती है, तो ऐसे में कुछ छोटी छोटी सी इक्वेशंस बनती है, बस वो इक्वेशंस बना लिया करो एंड देन आप अपने आंसर तक जा सकते हो। नहीं 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 फिर नहीं कंसीडर करेंगे हार्दिक, अगर मैं देखो हार्दिक सिंपल है कि अगर मैं बोलता हूं कि यार इस ट्रेन ने मुझे 10 सेकंड में क्रॉस किया, तो इसका मतलब मैंने टाइमर ऑन किया होगा जब ट्रेन मेरे सामने होगी। अगर आप ये जानना चाहते हो हार्दिक कि भाई एक ट्रेन आ रही है मुझे कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो आप टाइमर ऑन करोगे जब ट्रेन का इंजन आपके सामने होगा, आप टाइमर ऑन करोगे और जैसे ही वो इंजन आपके आगे से निकल जाएगा आप टाइमर क्लॉस बंद कर दोगे, ठीक है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें वो ये मेंशन करना चाहता है, तो कई बार वो ये बोलता है कि एक आदमी है, कई बार वो क्या बोलेगा, ऐसे में वो बोलेगा कि यार एक पर्सन, जैसे आपको कुछ कुछ एक बुक्स वगैरह में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि एक पर्सन है और इस पर्सन ने एक ट्रेन को ऑब्जर्व किया 200 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने 200 मीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जर्व किया, और ट्रेन है 300 मीटर की, तो बताओ जब उसने ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्व करने वाले टाइम से लेकर के उस ऑब्जर्व करने वाले टाइम के हिसाब से ट्रेन इसको कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो ट्रेन सबसे पहले तो ये 200 कवर करेगी, 200 कवर करके आदमी के पास आएगी, फिर जब 300 मीटर की ट्रेन इसके आगे से निकल जाएगी तब आप टाइमर ऑफ करोगे, तब आप ऐसे में डिस्टेंस क्या लेते हो, दैट इज 200 प्लस 300 यानी 500। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो मेंशन करेगा कि आदमी ने ट्रेन को कितनी दूर से ऑब्जर्व कर लिया था, ठीक है। हार्दिक, नमन, पल्लवी, सभी बच्चों को क्लियर, मतलब समझ आ गया लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक वैसे एपी एचपी वाला तरीका ज्यादा बेटर था, बट द पॉइंट इज कि आपको क्लिक करे एग्जाम में, आप ये सब चीजें अगर आपको क्लिक कर पाते हैं तो बहुत बेटर है, ठीक है। आते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का। देखो इसमें क्या है ना, इसमें अगर आप देखोगे बिल्कुल वही डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, वो जो हमने करा था ना जब क्रॉस करने के बाद का टाइम दिया था, वैसे वाला कि भाई एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड कनेक्ट पॉइंट्स ए एंड बी,
कार वन ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एंड कार टू फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो यहां पर दो पॉइंट हो गए, जैसे एक पॉइंट है और ये एक और पॉइंट है। तो पहले ना मैं एक रफ स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है। अब यहां से क्या होता है, कार वन निकलती है, ठीक है। यहां से कार वन निकल रही है और यहां से कार टू। अब कार वन ने मूव करना शुरू किया, कार टू ने भी मूव करना शुरू किया, ठीक है। अब दोनों मान लो रैंडमली यहां किसी एम पॉइंट पर मिले, जैसे बोला है ना कि कार वन ए टू बी के लिए निकलती है और कार टू बी टू ए पॉइंट के लिए मूव करती है एट द सेम टाइम। कहता है आफ्टर मीटिंग ईच अदर, मिलने के बाद, मिलने के बाद बोला है कि मिलने के बाद जो कार वन है उसे यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, मिलने के बाद दैट इज 45 मिनट, और मिलने के बाद कार टू को यहां से यहां तक आने में लग गया टाइम, दैट इज 20 मिनट, दैट इज 20 मिनट, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है कि अगर कार वन की स्पीड 60 है तो कार टू की स्पीड क्या होगी। अब ऐसे में आपको पता है कि जो पहली कार की स्पीड है और जो दूसरी कार की स्पीड है, बताया था मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला कि अंडर रूट में इनका टाइम रिवर्स में लिखा करो। अगर वो टाइम दिया गया है कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, कि भाई एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद उन्हें इतना इतना टाइम लगता है, तो कार वन को टाइम लगता था 45, तो 45 नीचे आएगा क्योंकि कार वन की स्पीड मैंने न्यूमरेटर में लिखी है और कार टू का टाइम ऊपर आएगा, दैट इज 20 यहां पर आएगा। क्लियर? आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर 4 आ गया, यहां पे 9 हो गया, सो दैट विल बी 2/3। अब यहां पे कार वन की स्पीड तो मुझे पता ही, यानी 2 की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 60, मल्टीप्लाई 30 करना होगा, तो सेम 30 यहां पे कर देना, आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज 90। सो 90 विल बी द राइट आंसर, है ना। बस क्लिक होना चाहिए कि अरे यार इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, है ना। तो ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा होगा अब तक पीवाईक्यूज में, ये कम से कम 2 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो 19 में भी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन, अगर आप देखो ये जो अभी मैंने फॉर्मूला यूज किया, एक तो कैट 2019 में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया, वो आंट वाला जो हमने किया था, और आई थिंक एक और क्वेश्चन था, दो थे मेरे ख्याल, पता नहीं, आई डोंट नो, दिख नहीं रहा अभी, लेकिन जहां तक मुझे याद है 2 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। चलो कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यार आपके सामने कुछ इस तरह का, एक बार ये क्वेश्चन करना, देखो इसमें क्या कहता है, कहता है ट्रेन है जो कि ट्रैवल करती है एट 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है, साथ साथ सुनते हुए भी चलना। एक ट्रेन है जो आपकी ट्रैवल करती है 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड और जिसकी वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन पे 30 मिनट लेट पहुंची। तो यार ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि अच्छा अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड को 1/3 किया, मतलब ट्रेन ने अपनी स्पीड को 3 से 1 कर दिया तो टाइम 1 से 3 लगेगा, है ना। ट्रेन ने अपनी स्पीड को 3 से 1 कर दिया तो टाइम उसे 1 से 3 लगेगा, यानी अब ट्रेन 2 यूनिट लेट हो रही है बट एक्चुअल में 30 मिनट। तो 2 की वैल्यू 30 × 15 करना होगा, यानी शुरुआत में ट्रेन, यानी नॉर्मली ट्रेन ये डिस्टेंस अगर 15 मिनट में कवर करती है तो अब डिस्टेंस, ये जो मेरी ट्रेन है ये इस डिस्टेंस को कवर कर रही है, दैट इज इन कितने मिनट, 45 मिनट, है ना। ऐसे रफली अगर आप सोच पाओ इस तरीके से तो बहुत बेटर है, कि भाई एक ट्रेन अगर अपनी स्पीड को 1/3 करती है और वो अपने डेस्टिनेशन आधा घंटा लेट पहुंचती है, तो 1/3 करने का मतलब है कि स्पीड को 3 से 1 किया तो टाइम 1 से 3 लगेगा, अब टाइम 2 यूनिट ज्यादा लग रहा है, 2 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 45, यानी नॉर्मली ट्रेन क्या करती है, अपनी जर्नी को 15 मिनट में कवर कर लेती है बट अभी उसने 45 मिनट में कवर किया। अब ट्रेन क्या आ रही है, ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, अब ट्रेन क्या आ रही है, वापस आ रही है, अब ट्रेन वापस आ रही है, तो द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट। अब ट्रेन क्या करती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से 5 मिनट चलती है। अब देखो अगर ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलेगी तो वो जर्नी को 15 मिनट में खत्म कर देगी, जब ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है तो वो जर्नी को 15 मिनट में खत्म कर देती है, तो 5 मिनट तक तो वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चली, यानी अब 10 मिनट और ट्रेन अगर नॉर्मल स्पीड से चले, अगर मेरी ट्रेन 10 मिनट तक और अपनी नॉर्मल स्पीड से चली तो पहुंच जाएगी, है ना, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। बट ट्रेन क्या करती है, एक इमरजेंसी की वजह से 4 मिनट के लिए रुक गई 4 मिनट के लिए। अब ये कहता है, मतलब 4 मिनट रुकने का मतलब 4 मिनट वेस्ट हो गए। अब कहता है कि द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम, राइट। अब देखो ट्रेन को 5 मिनट के बाद लगने थे 10 मिनट, यानी ट्रेन अपनी जर्नी को
10 मिनट में खत्म कर लेती, पर 4 मिनट उसे रुकना पड़ गया और पहुंचना है उसे शेड्यूल टाइम पे, यानी ट्रेन को 10 मिनट के काम को 6 मिनट में करना है। अगर 10 मिनट के काम को आपको 6 मिनट में करना है तो टाइम का रेशो 10 से 6, यानी कितना हो गया आपका, अगर आप सही से ऑब्जर्व करो, दैट इज 5 से 3। तो स्पीड को करना होगा 3 से 5, 3 से 5 करना मतलब 2 की स्पीड बढ़ानी होगी 3 पे, तो 2/3 × 100 यानी 67% आंसर होगा। समझ पा रहे हैं आप सभी? मैं लिख के भी बताऊंगा, बट कितने बच्चे पूरा ऑरली कनेक्ट करके, जैसे मैंने ऑरली पूरा सॉल्व किया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, कितने बच्चों को समझ आया साथ साथ? हाँ जी, एक बार बताओगे, मतलब कैच कर गए आप लोग साथ साथ पूरी बात, जैसे हार्दिक, शांभवी और भी जो बच्चे हैं, पल्लवी वगैरह? ठीक है, अब चलो जरा लिख के कर लेते हैं। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है इसने मुझे, जरा लिख के अब सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी है कि एक ट्रेन है जो ट्रैवल करती है 1/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड और अपनी डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि सर यहाँ पे 2 केस हैं, एक है यूजुअल और एक है आज वाला केस। ठीक है, क्योंकि ट्रेन ने अपनी स्पीड को 1/3 किया है, मतलब 3 से 1 किया है, तो टाइम उसे कितना लगेगा, 1 से 3 लगेगा। तो ट्रेन कितना लेट होती है, ट्रेन लेट हो जाती है दैट इज 2 यूनिट, और 2 की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट है, मल्टीप्लाई करना होगा 15। तो अगर मैं यहाँ दोनों तरफ 15-15 कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 15 मिनट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 मिनट, है ना। कि ट्रेन नॉर्मली किसी अपनी जर्नी को 15 मिनट में कवर करती है, बट अगर आपने स्पीड को स्लो कर दिया तो दैट्स 45 मिनट लग गए। ठीक है, अब देखो यहां पर बाद में क्या कहते हैं, अब देखो ये कहता है कि अब जब ट्रेन वापस आ रही है, अब देखो नॉर्मली ट्रेन 15 मिनट में अपने काम को कर देती है ना, 15 मिनट में अपनी जर्नी समअप कर देती है। पहले वो 5 मिनट तक तो चलती रही, 5 मिनट चलती रही, अब हुआ क्या कि वो 4 मिनट के लिए रुक गई, 4 मिनट के लिए रुक गई। तो अब जब ट्रेन रिटर्न आ रही है, तो जब ट्रेन रिटर्न आ रही है तो अगेन उसके 2 केसेस हैं, एक है यूजुअल केस और एक नाउ लिख देता हूं, मतलब बाद वाला केस। ठीक है, तो अभी उसमें ना टाइम वाइज क्या है, 5 मिनट जब ट्रेन चल चुकी है तो अब उसे अपनी जर्नी को कवर करने के लिए बस 10 मिनट और लगेंगे, यूजुअल स्पीड से 10 मिनट और लगेंगे। बट क्योंकि जो ट्रेन है उसने 4 मिनट अपने इमरजेंसी में वेस्ट कर दिए, तो दैट्स व्हाई अभी 10 मिनट के काम को अगर शेड्यूल टाइम पे पहुंचना है तो 6 मिनट में करना होगा। तो मतलब टाइम जो है वो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 5 से 3, मतलब 5 यूनिट के काम को 3 यूनिट में करना है। तो जो स्पीड है वो क्या करनी पड़ेगी, 2 से 5 करना होगा स्पीड को, तो स्पीड को आपको 3 यूनिट बढ़ाना होगा। तो चेंज इन स्पीड कितना आएगा, दैट इज 3/2, उल्टा लिख दिया ये, 2 से 5 नहीं, टाइम 5 से 3 हुआ है, तो जो स्पीड है वो 3 से 5 हो जाएगी, तो यहां पे 2 यूनिट है ना, तो 2/3 × 100 दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 67%, सो दिस विल बी द राइट आंसर। डन है हार्दिक, शांभवी? समझ आया सभी बच्चों को? चलो नेक्स्ट पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन यार आपके सामने, एक बार आप लोग ट्राई करें। देख रहे हो फिर आगे वो वाला क्वेश्चन, मिलने के बाद का टाइम, ये कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, आप लोग खुद देखो कि मिलने के बाद का टाइम, ए एंड बी आर 2 पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, राम जो है वो ए से बी जा रहा है, रहीम बी से ए आ रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद, एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद इन्हें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जाने में 1 मिनट और 4 मिनट लगते हैं। तो इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो इनकी स्पीड का रेशियो बताओ क्या होगा। ऑप्शन क्या गलत लिखेंगे, 2√2 क्यों लिखा हुआ है इसमें? अच्छा नहीं, ठीक है, मतलब इसको अगर आपको तरीके से लिखना है तो ऐसे 2:1 भी, हालांकि ऑप्शन यही थे तो मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, ऑप्शन एक्चुअली यही थे तो इसलिए ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। तो बेसिकली रेशियो बताना है कि राम की स्पीड टू रहीम की स्पीड, है ना। तो वही है यार, मिलने के बाद का टाइम, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, पहले राम ए से बी जाता है और यहां से रहीम बी से ए आता है। अब ये यहां पर इस पॉइंट पर मिले, अब मिलने के बाद जो राम है उसे यहां से यहां तक आने में, किसको, राम को यहां से यहां तक आने में 1 मिनट लगे, और जो रहीम है, और जो रहीम है उसे 4 मिनट लगे। तो इसका मतलब जो स्पीड होगी राम की अपॉन में जो स्पीड होगी रहीम की, ठीक है, जो स्पीड होगी रहीम की, दैट इज अंडर रूट, राम का टाइम नीचे आएगा, रहीम का ऊपर आएगा, तो दैट विल बी 2, सो दिस इज द राइट आंसर।
नहीं शांभवी सी क्यों होगा, सीधा सीधा टू हो जाएगा ना। ठीक है डन। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो मेरा सजेशन ही होगा कि आराम से तसल्ली से देखना समझना क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दबाजी में मत करना। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते आपको समझाता हूँ, मैं आप लोग भी सॉल्व करना, मैं थोड़ा बहुत समझाता भी रहता हूँ साथ साथ, ठीक है, और फिर मैं लिख करके पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा अच्छे से, पूरा मतलब रिटन फॉर्म में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है कि टू सर्कुलर ट्रैक्स T1 एंड T2 ऑफ रेडियाई 100 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली टच एट अ पॉइंट ए। तो ऐसे दो व्हील है और वो एक दूसरे को, ठीक है, ऐसे करके मान लो दो व्हील है और ये एक दूसरे को ए पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक। फिर इसने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट द सेम टाइम, ठीक है, राम एंड रहीम आर वॉकिंग ऑन द ट्रैक वन एंड ट्रैक टू, ठीक है, राम ट्रैक वन पर और रहीम ट्रैक टू पर 15 और 5 की स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं। द नंबर ऑफ फुल राउंड दैट राम विल मेक बिफोर ही मीट रहीम अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पॉइंट सिंपल सा ये है कि राम जो है वो जब रहीम से पहली, ऐसे गोल गोल ये घूमते रहेंगे, तो जब राम रहीम से पहली बार मिलेगा तब तक में वो कितने राउंड घूम चुका होगा ये आपको बताना है, ठीक है। नहीं ये मैटर नहीं करता, अगर इसने क्वेश्चन में बोला है नहीं है तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है, वरना बताता वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब क्वेश्चन पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहीम के बताने कितने राउंड हो चुके होंगे, ठीक है, बस राउंड बताने हैं, ठीक है। तो चलो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, आप लोग ट्राई कर लो पहले। सॉरी कनिष्का आपके हिसाब से 3, बहुत अच्छे कनिष्का, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर पॉइंट ही आता है कि सर देखो अगर अपन कंपेयर कर, मतलब एक कंपैरिजन करें कि राम और रहीम को कितना यूनिट ऑफ टाइम लगता है ना, कि एक राउंड लगाने में कितना यूनिट टाइम लगता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, है ना, अपने को एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट में आप क्या करोगे कि जो रेडियाई मीटर में है उसको किलोमीटर में ले जाना, देन 15 ये सब करना, तो मुझे लगता है उससे बेटर है कि आप अपना एक रेशियो वाइज कंपेरिजन कर दो, ठीक है। तो अगर मैं एक टाइम देखूं तो जो राम है, ठीक है, ये हो गया राम और ये हो गया राम और रहीम हो गए, राइट, यहां पर आ गया राम और यहां पर आ गया रहीम, और मुझे बेसिकली जानना है कि यार टाइम कितना लगेगा इन्हें, इन्हें जो है वो टाइम कितना लगेगा। प्रदीप का कहना है 3, कनिष्क का कहना है 3, ठीक है। तो देखो राम ने क्या करना है, जैसे राम पे बात करते हैं, अब राम क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियाई 100 है, तो राम एक पूरा ट्रैक घूमेगा मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो आप कहोगे सर 2π r, मतलब 2π 100, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा राम, राइट, अगर मैं काइंड ऑफ एक कंपैरिजन निकाल दूं सिर्फ। अच्छा लेकिन टाइम बताना है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस, अपॉन में स्पीड भी लिख दो, और इसकी स्पीड क्या है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आर। अब आप बोलो कि सर ये यू नो ऊपर वाली चीज मीटर में है, ये किलोमीटर पर आर में है, तो या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, चलो कर देता हूँ या तो मैं, हालांकि कोई सेंस बनेगा नहीं उस चीज का, पर किलोमीटर पर आर में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैंने इसको 5/18 कर दिया। अब अगर मैं रहीम पे बात करूं तो रहीम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2π r, है ना, 2π r डिस्टेंस कवर कर रहा है विद स्पीड 5 और इंटू में 5/18। तो अगर मैं कंपैरिजन निकालू दोनों का कि भाई दोनों को एज अ कंपैरिजन कितना टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, एक कंपैरिजन अगर मैं करूं, तो आप बोलोगे कि सर देखो सबसे पहले तो यहां पर ये 5/18 हटाओ, 2π से 2π हटाओ, ठीक
ठीक है। उसके बाद फाइव सर इसको फोर पे कैंसिल आउट करेगा, फाइव फिडल में थ्री पे गया, फाइव फिडल में जाएगा 20 पे, है ना, और चार इसको पांच पे कट करेगा। तो इन शॉर्ट आपका आंसर आ जाएगा फाइव से थ्री आ जाएगा। कितना आ गया? फाइव से थ्री आ गया। तो मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूं कि जो राम है, मतलब जो राम है वो एक राउंड अगर पांच यूनिट टाइम में कंप्लीट करता है तो रहीम तीन यूनिट टाइम में, राम को अगर लगता है पांच यूनिट टाइम तो रहीम को लगता है तीन यूनिट टाइम एक राउंड कंप्लीट करने में। तो राम क्या कर रहा है? तो राम जो है ना वो पांच यूनिट टाइम के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आता है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएगा? और पांच मिनट यानी कि दस, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर कब आएगा? और पांच यूनिट यानी पंद्रह, फिर और पांच यूनिट यानी बीस, पच्चीस, ऐसे चलता रहेगा। और वहीं अगर मैं रहीम की बात करूं तो रहीम कब कब आएगा? तीन यूनिट के बाद, फिर छह यूनिट के बाद, फिर नौ यूनिट, फिर बारह यूनिट, फिर पंद्रह यूनिट। तो पहली बार ये कब मिलेंगे? दैट इज 15 यूनिट टाइम पे। अब ये जो मैं यूनिट कह रहा हूं ना, यूनिट मैटर नहीं करता कि मिनट, आवर्स, सेकंड क्या नहीं मैटर करता। क्यों? क्योंकि आपको बस ये बताना है कि जब राम रहीम पहली बार मिले तो द नंबर ऑफ राउंड दैट राम विल मेक, कि राम कितने राउंड घूम चुका होगा जब वो रहीम से पहली बार मिला। आपको सिर्फ नंबर ऑफ राउंड बताने हैं। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि सर 15 मतलब 15 यूनिट टाइम पर ये पहली बार आपस में मिल रहे हैं, और इस 15 यूनिट टाइम में राम कितने राउंड लगा चुका है? 1, 2, 3। तो आपको वैसे भी सीधा पता लग रहा है कि सर 3 आंसर है। और अगर आपको प्रोसेस पे जाना है तो आप ऐसे देख लो कि टाइम आफ्टर विच राम एंड रहीम विल मीट, ये राम और रहीम कब मिलेंगे आपस में। तो उसके लिए आप क्या करो, एलसीएम ले लो किसका? 5 और 3 का, दैट इज 15। यानी 15 यूनिट टाइम के बाद ही आपस में मिलेंगे, और 15 यूनिट टाइम, तो राम एक राउंड लगाता है 5 यूनिट में, तो 15 यूनिट में कितने राउंड लगा चुका होगा? तो अगर मैं जानना चाहता हूं कि भाई राम राउंड कितने घूम चुका होगा, तो वो एक राउंड में लेता है 5 यूनिट का टाइम, तो 15 यूनिट के टाइम में वो 3 राउंड रोटेट कर चुका होगा। डन है? कनिष्का, प्रदीप, हार्दिक, शांभवी, जो भी बच्चे हैं, समझ आ गया सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन स्पीड का रेशो लेकर भी कर सकते हैं। देखो स्पीड का रेशो लेकर मैं आपको बताता हूं प्रदीप, कि अगर आप उस एंगल पे जाना चाहते हो, रेशो वाले पे जाना चाहते हो, तो फिर आपकी अप्रोच ही होनी चाहिए, क्या नाम है प्रदीप की, कि सर देखो यहां पर राम है, ठीक है, और यहां पर रहीम हो गया, ठीक है। देखो पॉइंट क्या है ना प्रदीप, कि जब ये पहली बार आपस में मिले हैं, जब ये फर्स्ट टाइम आपस में मिले हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं वगैरह, वो भी छोड़ते हैं। देखो दोनों के जो ट्रैक की लेंथ है वो अलग है, दोनों की स्पीड अलग है, लेकिन अगर आप रेशो पे जाना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो कि सर देखो जो स्पीड है वो राम की कितनी है, दैट इज 15 और 5 है, तो स्पीड का रेशो कितना है? तो सर 3:1 है स्पीड का रेशो, ठीक है। अब मेनली आपको टाइम निकालना है। देखो टाइम के लिए डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस और स्पीड को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले ये समझो कि सर ये जो राम है ये जिस ट्रैक पर घूम रहा है ना, उस ट्रैक की लेंथ कितनी है, मतलब राम एक पूरे ट्रैक पर, जो ट्रैक की लेंथ है मेरी 2πr यानी 2π100, और इसके ट्रैक की लेंथ है दैट इज 2π20, तो इनके जो ट्रैक की लेंथ का रेशो क्या है, दैट इज 5:1 है, है ना, क्योंकि 2π से 2π क्या 5:1। और स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 15, इसकी 5, कैंसिल आउट करूं तो स्पीड का रेशो 3:1 है। तो सर टाइम का रेशो क्या होगा, डिवाइड करोगे तो टाइम का रेशो आएगा दैट इज 5/3:1, तो टाइम का रेशो 5:3 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है प्रदीप। उसके बाद वो कॉमन प्रोसेस है कि सर जो राम है, राम एक राउंड कंप्लीट करता है 5 यूनिट के बाद, अगला राउंड 10, अगला राउंड 15, अगला राउंड 20, सो ऑन। जो रहीम है, जो अपना रहीम है, वो 3 यूनिट, 6 यूनिट, 9 यूनिट, 12 यूनिट, 15 यूनिट। तो सर 15 यूनिट पे पहली बार मिलेंगे और उसमें राम हमारा 3 राउंड लगा चुका होगा, सही है प्रदीप, ठीक है। शांभवी मैं कराऊंगा सर्कुलर रेस में, कई बच्चे बोल चुके हैं, एक और बार एक सेशन रखूंगा सर्कुलर रेस का, और थोड़े और हाई क्वालिटी क्वेश्चन उसके दौरान मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोगों को मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, मॉक टेस्ट वगैरह में सर्कुलर रेस के काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे जहां आप कंफ्यूज होते हो, तो उसके ऊपर हम लोग एक बार बातें करेंगे, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन पे, इसको एक बार आप लोग ट्राई करें। द
द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज थ्राइस दैट ऑफ ए टू बी, और दो ट्रेन है ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी. अच्छा, ए से सी जाती हैं बी से होते हुए. द स्पीड ऑफ ट्रेन टू इज डबल दैट ऑफ ट्रेन वन वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड देयर स्पीड इंटरचेंज वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन वन टू दैट ऑफ ट्रेन टू. है ना, सिंपल है, कुछ नहीं. जैसे होता है ना कई बार, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि डिस्टेंस का रेशियो लेना है स्पीड, मतलब दोनों के अलग अलग रेशियो चल रहे हैं, वैसा सही है. अब जैसे यहां पर मैं बोलूं तो ये ए ट्रेन है ना, ए से बी, ए से कहां तक है, इसने बोला कि बी से सी का डिस्टेंस ए टू बी का थ्राइस है और आपको ए से सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है वाया बी, और बी सी का डिस्टेंस ना ट्रिपल है ए बी के डिस्टेंस के कंपेरिजन. यानी ए से बी तक का डिस्टेंस वन है तो बी से सी तक का डिस्टेंस तीन है, राइट. अब यहां पर देखो क्या कहता है, यहां पर इसने क्या बात बोली. कहता है जो स्पीड है ट्रेन टू की वो डबल है ट्रेन वन से. यानी मेरे जो ट्रेन वन है उसकी स्पीड अगर वन है तो ट्रेन टू की स्पीड कितनी है, दो है. तो यार अगर आपकी जो ट्रेन वन है वो ए से बी तक जब जाती है और उसकी स्पीड है वन, तो उसको टाइम भी कितना लगेगा, दैट इज वन. और ट्रेन टू की स्पीड अगर टू है तो उसको टाइम कितना लगेगा, दैट इज 0.5 टाइम लगेगा. भाई वो एक यूनिट का डिस्टेंस, ट्रेन टू एक यूनिट का डिस्टेंस दो की स्पीड से कवर कर रही है, टाइम लगेगा 0.5. और ट्रेन वन एक यूनिट का डिस्टेंस एक की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, टाइम लगेगा एक. अब आपको जाना है बी से सी, अब आपको जाना है बी से सी, ठीक है. अब बी से सी में इन्होंने अपनी स्पीड को इंटरचेंज कर लिया, मतलब इस ट्रेन वन की स्पीड हो गई दो. अगर ट्रेन वन की स्पीड है दो तो बी से सी डिस्टेंस है थ्री, टाइम कितना लगेगा, तो आपको सर टाइम लगेगा 1.5, क्योंकि तीन यूनिट अगर दो की स्पीड से जाओगे टाइम 1.5 लगेगा. और दूसरी ट्रेन को टाइम कितना लगेगा, स्पीड इंटरचेंज हो गई है तो अब दूसरी ट्रेन की स्पीड 1 है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर तीन यूनिट टाइम लगेगा. तो इसने पूछा क्या, कहता है यार ये बताओ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 टू ट्रेन 2. ट्रेन 1 को कितना टाइम लग रहा है, यहां पर लग रहे थे एक घंटे और यहां पर डेढ़ घंटा, यानी 1 + 1.5. और इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 0.5 + 3, तो दिस इज 2.5 to 3.5. तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 5 to 7, दैट इज 5 to 7, तो ये टाइम लगेगा आपको. देखो पॉइंट पता है क्या, जैसे बच्चा कहता है सर आपको, आपने नंबर लेके क्यों किया, आपने वेरिएबल क्यों नहीं लिया, है ना, डी क्यों नहीं लिया, हमें कैसे पता लगेगा. मेरे भाई अगर मैं डी, आप सिंपल सोचो, अगर मैं यहां पे डी ले भी लेता तो मैं इसको लिखता डी, इसे मैं लिखता 3D, इसे लिखता डी, इसे 3D लिखता मैं. स्पीड को अगर मैं एक्स ले लेता तो जब मैं टाइम लिखता टाइम के अंदर पता क्या आता, डी अपॉन एक्स आता, अगले वाले टाइम में भी डी अपॉन एक्स आता, हर जगह डी अपॉन एक्स आता. और मुझे जब रेशो ही लिखना है तो फाइनल रेशो में d/x तो कट ही जाते मेरे, तो लिखने का सेंस क्या बना, राइट. इसलिए कोई लिखने का सेंस नहीं बना, दैट्स व्हाई मैंने लिखा नहीं. जब वो पूछ रेशो में रहा है तो मैंने भी सारी बातें रेशो में सॉल्व कर दी. डन है कनिष्का, शांभवी, जो भी बच्चे हैं. और आप लोगों ने अभी तक ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन देख लिए होंगे जिनमें कि अक्सर डिस्टेंस का रेशो होता है, स्पीड का रेशो होता है, तो हम उनके रेशो के बेसिस पे ही टाइम निकालते हैं. एक बार चैट के थ्रू बताओगे आप सभी, सभी बच्चों को समझ आया क्वेश्चन. सही है हार्दिक, 5 to 7 सही है. डन है, क्लियर ना सभी को. चलो अच्छा, ये क्वेश्चन आप सबको याद है, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया था लीनियर रेस का. आप सबको याद होगा कि हमने एक जब मैंने आपको कैट 2019 के क्वेश्चन करा रहा था, तो कैट 2019 हाँ, तो जब मैं कैट 2019 करा रहा था तो हमने हॉर्स वाला क्वेश्चन किया था. तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक बड़ा यूनिक सा मेथड बताया था, फिर मैंने बोला था इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था कैट 20 में, तो ये क्वेश्चन मैंने तभी करा दिया था आप सबको, मे बी आप सबको याद हो, तो ये क्वेश्चन हमने तभी कर लिया था, राइट. तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा हूँ कैट 20 को, क्योंकि अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट वाइज चल रहा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे. तो
एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? ये जो विमला करके क्वेश्चन है, विमला स्टार्ट फॉर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM एंड रीचेज एग्जैक्टली ऑन टाइम इफ शी ड्राइव एट अर यूजुअल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 9 बजे निकलती है और ये 40 की स्पीड से कार चलाती है ना, तो ये एकदम यूजुअल टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे अपने ऑफिस पहुंच जाती है। बट अगर ये 35 की स्पीड से कार चलाए, है ना, देखो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बैक ऑफ द माइंड ये क्लियर होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो जैसे यहाँ पर बोला कि विमला 9 बजे निकलती है और वो अगर 40 की स्पीड से कार चलाती है ऑन टाइम पहुंचती है, बट 35 की स्पीड से चलाती है तो 6 मिनट लेट हो जाती है। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, है ना, कि मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, या फिर मैं ये निकाल सकता हूँ कि विमला को यूजुअली कितना टाइम लगता है अपने ऑफिस जाने में, आज कितना टाइम लग रहा है ऑफिस जाने में, ये सब चीज़ें मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि मुझे जानना क्या है, मुझे डिस्टेंस निकालने में इंटरेस्ट आना चाहिए कि मैं डिस्टेंस निकालूं, या इसका यूजुअल टाइम कितना है ऑफिस जाने का, वो सब चीज़ें। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है वन डे शी ट्रेवल 2/3 ऑफ हर डिस्टेंस टू ऑफिस इन 1/3 ऑफ हर यूजुअल टाइम। अच्छा, अगर मैं यूजुअल टाइम निकाल लूं तो उसका 1/3 कर सकता हूं, ठीक है। फिर क्या है, फिर वो 8 मिनट के लिए रुक गई, ठीक है जी, 8 मिनट के लिए रुक गई, और द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच शी ड्राइव द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच ऑफिस एग्जैक्टली ऑन टाइम। अब इसे ऑफिस जाना है एग्जैक्टली ऑन टाइम, तो एग्जैक्टली ऑन टाइम, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? डन है, तो एक बार थोड़ा ऑरली ट्राई करें। देखो यहां पर पॉइंट मैं ये कह सकता हूं इन शॉर्ट, ठीक है, ठीक है, एक बार समझना। यहां पर मेरा पॉइंट ये होगा इस क्वेश्चन को डिस्कस करते वक्त या डील करते वक्त, देखो ध्यान से देखते हैं। इसने बोला विमला निकलती है 9 बजे ऑफिस से और वो ऑन टाइम पहुंच जाती है जब वो 40 की स्पीड से जाती है, और वो 6 मिनट लेट होती है अगर 35 की स्पीड से जाती है। तो मैंने कहा यार इसने अपनी स्पीड को, पहले इसकी स्पीड कितनी थी 40, बाद में 35, तो स्पीड का रेशो है 8 से 7, तो टाइम का रेशो हो जाएगा 7 से 8। तो जो टाइम का रेशो मैंने बोला 7 to 8, तो रेशो वाइज ये 1 यूनिट लेट हो रही है, बट एक्चुअल में 6 यूनिट, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 7 की वैल्यू 7 6 42, यानी मुझे समझ आ गया यहां से कि भाई ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है 42 मिनट, ठीक है, 42 मिनट। अच्छा, अब ये कहता है कि वन डे शी ट्रेवल 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो चलो डिस्टेंस भी निकाल ही लेते हैं। 42 मिनट में ऑफिस पहुंचती है 40 की स्पीड से, अगर 40 की स्पीड से आप 42 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हो तो ऑफिस का डिस्टेंस कितना है? तो 40 × 42/60, राइट, तो 40 60 2 3 हो गया, 3 उसको 14 पे कट करेगा 28, यानी आपका ऑफिस है 28 किलोमीटर दूर, जिसे आपको 42 मिनट में कवर करना होता है, ठीक। अब ये क्या करती है, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो 1/3 यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम है 42 मिनट, 42 का 1/3 कितना होगा, 14 मिनट हो गए, तो 14 मिनट तो वो चल चुकी है। अब उसके बाद 8 मिनट के लिए रुक गई, तो 14 मिनट वो मूव कर चुकी है, क्योंकि 42 का 1/3 इज 14, 14 मिनट चल चुकी है, 8 मिनट रुक गई, मतलब 22 मिनट यूज कर चुकी है। अब उसे जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कवर करना, उसे जो भी टाइम बचा, तो यार 42 मिनट में ऑफिस पहुंचना होता है, और ये अभी तक यूज कर चुकी है कितने, 22 मिनट, तो इसके पास बचे 20 मिनट बचे हैं, इसके पास 20 मिनट बचे हैं, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना रह गया, तो डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया था कितना, दैट इज 2/3, तो 1/3 रह गया, तो 28 का 1/3 उसे कवर करना है 20 मिनट में, और 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर्स, तो 28 का 1/3 1/3 आवर्स में करना है, तो स्पीड करनी पड़ेगी इसे 28, यानी कि ये डन है। तो एक बार थोड़ा सा लिख के भी डिस्कस कर लेते हैं, देखो। अच्छा अगेन बताना, ऑरली कितने बच्चे साथ साथ समझ गए, जब मैं ऑरली जब मैं आपको बोल रहा था अभी, ये जो मैंने पूरा ऑरली किया, तो साथ साथ कनेक्ट करते हुए चले आप, चेन सी पूरी, जैसे हम लोग चेन सिस्टम बनाते हैं, यू नो, कि पहले स्पीड 40 थी, 35, तो स्पीड 8 से 7 है, तो टाइम 7 से 8 हो जाएगा, तो 1 यूनिट लेट हो रही है ना, 1 की वैल्यू 6 है, तो 7 की वैल्यू 42, यानी ऑफिस 42 मिनट में पहुंचती है यूजुअली, ठीक है। अब 42 मिनट में पहुंचती है 40 की स्पीड से,
तो 40 × 42 मिनट, 42/60, 40/60 2/3 है ना, वहाँ से 14 × 2 = 28, ऑफिस है 28 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें खैर आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर देखते हैं स्पीड के बारे में दो बातें बोली गई हैं कि पहले थी स्पीड कितनी 40, बाद में है 35, तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ सो दैट विल बी 8 to 7, तो टाइम कितना लगेगा 7 to 8, तो ये कितना लेट हो रही है 1 यूनिट, मेरे हिसाब से लेट कितना हो गई एक, एक की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 6 मिनट, इंटू करना पड़ेगा 6, तो सेम 6 कर दो यहाँ, तो ये आ गया 42 मिनट, तो 42 मिनट आ गया इसका यूजुअल टाइम आ गया, कि इसका यूजुअल टाइम है 42 मिनट। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा, तो यार अगर आप 40 की स्पीड से ऑफिस पहुंचते हो ऑन टाइम, मतलब आप 40 की स्पीड से 42 मिनट में ऑफिस पहुंच जाते हो, 42 मिनट को आवर्स में करने के लिए 60 यानी कि 28 किलोमीटर। अब ये क्या कहता है, टू थर्ड डिस्टेंस इसने कितनी देर में कवर किया, टू थर्ड डिस्टेंस, तो देखो टू थर्ड डिस्टेंस ये कवर करती है 1/3 ऑफ द यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम है 42, तो 42 का 1/3, और फिर 8 मिनट वो खड़ी रहती है एक ही जगह, 8 मिनट ऐसी उसने वेस्ट कर दिए, एक जगह खड़ी हुई है किसी काम से रुकी होगी तो 8 मिनट वहां पे वेस्ट कर दिया, मतलब टू थर्ड डिस्टेंस में इसे टोटल टाइम लग गया दैट इज 22 मिनट। अब करना क्या है, अब 1/3 डिस्टेंस, अब मुझे ऑफिस पहुंचना है ऑन टाइम, तो मुझे 1/3 डिस्टेंस कवर करना होगा 42 - 22 यानी कि 20 मिनट में, तो अगर अब डिस्टेंस कितना 1/3 डिस्टेंस आपको 20 मिनट में कवर करना है तो आपकी स्पीड क्या होगी, तो 28 आपका टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 आपको 20 मिनट में कवर करना है, 20 मिनट को आवर्स में करोगे डिवाइडेड बाय 60, 1/3 से 1/3 किया 28 आंसर आएगा, ये रहा, डन है, बात समझ आई सभी को, हार्दिक तान्या प्रशांत। देखो यार मैं एक बात बताऊं, ये जो मैं ऑरली बोलता हूं ना पहले, जो ऑरली ये मैं शॉफ के लिए नहीं बोल रहा कि देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि अब यही थोड़ी रह गया कि आप सबके आगे शॉफ करूंगा मैं, ठीक है, ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि ना आप भी इस चीज को अपनी आदत में ले आओ, क्योंकि यार देखो मेरा मानना है, क्योंकि मेरे साथ भी होता था और आई नो कि मैक्सिमम के साथ होता है, कि जिससे हम रेगुलरली पढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं उन्हीं की आदतों को हम लोग फॉलो करने लग जाते हैं, लाइक जैसी मेरी आदत होगी ना लिखने की या सॉल्व करने की, आपकी भी आदत वैसी बन जाएगी, जैसे कई बार बच्चे अपने नोट्स भेजते हैं सर मेरा सॉल्यूशन देखना, मुझे दिख रहा होता है वैसे ही लिख रहे हैं जैसे कि 7-8 ये जो मैं ऐसे करके लिखता हूँ कि 42 × 6 करना होगा, इसी तरीके से वो भी करने लग जाते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं पहले ऑरली करता हूँ कई बार, ताकि आप भी आपकी भी आदत बने, कई बार की क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बैक ऑफ द माइंड ऑरली सॉल्व करते जाना, कई क्वेश्चन ट्रस्ट में ऐसे हो जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का, ये भी कैट 20 का क्वेश्चन है, तो ए और बी नाम की आपकी दो ट्रेन है, सॉरी ए और बी रेलवे स्टेशन है जो 90 किलोमीटर दूर है, अ ट्रेन ए लीव्स एट 9 AM बी के तरफ 40 की स्पीड से, ट्रेन बी 10:30 बजे निकलती है ए की तरफ 20 की स्पीड से, बताओ दोनों ट्रेनें कब मिलेंगी। तो यार सबसे पहले ये समझ में आता है कि सर ये जो ट्रेन ए निकली है, जो पहली ट्रेन निकली है ए स्टेशन से, ये 9 बजे निकली है और ये वाली 10:30 बजे निकली है, मतलब 1.5 घंटे तक ये अकेले चलती रही है ना। अब पहली ट्रेन, इस ट्रेन की स्पीड कितनी, ए ट्रेन की स्पीड है 40, अब 40 की स्पीड से अगर ये 1.5 घंटा चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 60 किलोमीटर, तो सर 90 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर ये खुद ही ट्रेवल कर चुकी है। अब 10:30 बजे इनके बीच में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अब ये दोनों चलेंगी, और जब ये दोनों चलेंगी तो इसकी स्पीड है 40, इसकी स्पीड है 20, दोनों की स्पीड होगी 60, तो 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से चलेंगे, मतलब आधे घंटे में ये काम खत्म कर देंगे, कितना आधे घंटे में, तो 10:30 बजे के बाद आधा घंटा लगेगा इन्हें मिलने में, यानी आंसर है 11। समझ गए आप सभी बच्चे, बाकी मैं लिख भी देता हूं थोड़ा सा, तो ये हो गया ए स्टेशन, ये हो गया बी स्टेशन, ठीक है, बहुत अच्छे 11 होगा। अब यहां से जो ए ट्रेन है वो निकलती है 9 बजे और ये वाली ट्रेन निकलती है 10:30 बजे, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आर, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब ये कहता है कि ये अच्छा
10:30 बजे तक में ये लेट से यहां तक तो आई गई होगी पहली ट्रेन, पहली ट्रेन 10:30 तक में यहां पे आई चुकी होगी, है ना। तो 10:30 बजे तक में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो यार टाइम हो गया 1.5 आवर्स और स्पीड है इसकी 40, तो डिस्टेंस कितना हो गया होगा, दैट इज 40 और ये अपना 60 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज 60 किलोमीटर और पूरा डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक का, पूरा डिस्टेंस कितना है, दैट इज 90 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 60 और ये 30, ये 60 है 30। अब ये 30 का डिस्टेंस खत्म करना है जिसके लिए दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे की तरफ, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है 30 किलोमीटर। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, दोनों की रिलेटिव स्पीड 40 और 20, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, तो 40 प्लस 20 यानी कि 60। तो टाइम कितना लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि आधा घंटा, है ना, हाफ एन आवर। तो 10:30 बजे के बाद अगर लग रहा है आधे घंटे, तो टाइम कितना लग जाएगा, 11 बज जाएंगे। डन, आई होप क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज ऑफ कैट 20 का, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्दिक ये बात अपन कह सकते हैं, हाँ मतलब कुछ एक पर्टिकुलर, देखो हार्दिक पता क्या होता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि यार डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कैट 22 का एग्जाम आया, अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन डालने और टाइम एंड वर्क के डालने, तो वो उनके देखो किसी एक चैप्टर के वो लोग डिफिकल्ट डालते हैं और किसी एक चैप्टर के इजी डालते हैं। अब वो किस्मत की बात है कि वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इजी डाल रहे हैं और टाइम एंड वर्क का डिफिकल्ट डाल रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या ठीक लग रहा है, कि इट्स ऑब्वियस कि वो किसी एक चैप्टर का डिफिकल्ट डालेंगे, किसी का इजी डालेंगे, और हर साल होता है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर में आपको दिखेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बड़ा बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन पूछ रखा है, और वहीं किसी ईयर में आपको लगेगा ये तो बड़ा कमाल का, ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, किसी चैप्टर से टफ डाल देते हैं तो किसी से थोड़ा ईजी डाल देते हैं, ठीक है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ये देखना, अब देखो ये जैसे सर्कुलर रेस का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, जिन भी बच्चों ने सर्कुलर रेस पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो सर्कुलर रेस का सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये कि अनिल सुनील रवि रन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ लेंथ 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर की लेंथ है ट्रैक की, और उस पर अपना अनिल सुनील और रवि मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम गोइंग ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। इफ दे रन एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, तो आपको ये बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल रवि हैव रन व्हेन अनिल सुनील मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब अनिल और सुनील पहली बार मिलेंगे, जब अनिल सुनील पहली बार मिले, तब तक में रवि ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। आशीष, इतने सारे ए, नहीं आशीष, ए ऑप्शन गलत है, एक्चुअली ए ऑप्शन गलत है आशीष, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लो। देखो मैं एक छोटी सी बात, तब तक आप लोगों जो सुनना चाहते हैं वो सुन लें, बाकी बच्चों को लगता है तो पॉज करके ट्राई कर लें, ठीक है। 4.8 सही आंसर है। देखो सर्कुलर रेस का एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और मुझे ऐसा लगता है आप में से कई बच्चों को ये ऑलरेडी पता होगा कि अगर ये ट्रैक है, मान लो ये ट्रैक है, और ये यहाँ पर ए और बी जो है ना वो सेम, ऐसे मान लेते हैं क्लॉकवाइज, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। अब मान लो जो पूरा का पूरा ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है ना, लेट से वो 200 मीटर है, 200 मीटर है, सिंपल लेता हूं 200 मीटर है, ठीक है। अब जो ए है, लेट से जो ए है आपका, ए की स्पीड है 20, ठीक है, ए की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, मैं लिख ही देता हूं, चलो जो ए की जो स्पीड है, ए की दैट इज, मैंने क्या बोला, ट्रैक की लेंथ कितनी है, जो ट्रैक है, इस ट्रैक की लेंथ है आपकी 200 मीटर, ठीक है, और जो स्पीड है ना ए पर्सन की, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और जो स्पीड है बी पर्सन की,
दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब मैंने क्या बोला, जैसे इस क्वेश्चन में बोला था, कहाँ गया, कहाँ लिखा है, अनिल सुनील, हाँ ये लिखा है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि अनिल सुनील स्टार्टिंग पॉइंट पर जब पहली बार मिलेंगे, है ना। तो अब जैसे ए है, ए पूरा एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा, कंप्लीट राउंड, है ना। तो ए जो है, अगर मैं कंप्लीट राउंड की बात करूं, कंप्लीट राउंड, तो ए पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगा, दैट इज कितने मिनट में करेगा यार। तो अगर ट्रैक की लेंथ है 200 और ए की स्पीड है 20, तो आप कहोगे सर 10 सेकंड लगेंगे, है ना, 10 सेकंड लगेंगे। तो ए 10 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर अगले 10 सेकंड यानी कि 20th सेकंड पे वो अगला राउंड कंप्लीट करेगा, फिर 30th सेकंड पे वो अगला राउंड कंप्लीट करेगा, 40th सेकंड पे वो अगला राउंड कंप्लीट करेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं बी की बात करूं, तो बी का क्या सीन है, जो बी है वो 200/25 यानी कि 8 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो वो 8 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करेगा, फिर और 8 कर दो यानी कि 16 सेकंड में अगला राउंड कंप्लीट करेगा, फिर एक और 8 डालो यानी 24 सेकंड में अगला राउंड, 32 में अगला, 40 में अगला, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो 40th सेकंड पे ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, कब मिलेंगे, 40th सेकंड पे। तो सिंपल क्या होता है कि अगर आपके सामने दो बंदे ए और बी, और मैंने पूछा बताओ स्टार्टिंग पॉइंट पर ये पहली बार कब मिलेंगे, तो आप सिंपल क्या कहते हो कि सर एलसीएम ले लो किसका, जब ये एक राउंड कंप्लीट करते हैं, जिसके लिए आप जो भी डिस्टेंस है, दैट 200/ में ए की स्पीड एंड दैट 200/ में बी यानी 25 की स्पीड। बहुत, हालांकि इतनी कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, मेरे ख्याल ऑलरेडी आप बच्चों को पहले भी पता होगा, पर क्लियर है ना सभी को, एक बार चैट के थ्रू बताओगे, ये बात क्लियर है सभी को, मतलब पता है ये, राइट। अब वही बात मैं यहां पर आऊंगा कि यार यहां पे जैसे इसने बोला कि भाई ट्रैक है, ट्रैक की लेंथ है 3 किलोमीटर, है ना, और कौन कौन बंदे ये, अनिल सुनील रवि, अनिल की स्पीड 15, सुनील की स्पीड 10, रवि की स्पीड 8। तो कहता है ये बताओ ये जो रवि है ये कितना डिस्टेंस चल चुका होगा जब अनिल और सुनील पहली बार मिले, है ना। तो मैं ये देख लेता हूं कि टाइम टाइम जो कि अनिल एंड सुनील को लगा स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने में, स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिलने में, स्टार्टिंग पॉइंट जो है मेरा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने में इन्हें टाइम कितना लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, आप एलसीएम ले लो, ए पहला राउंड जो अनिल है वो पहला राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा, तो जी सर ट्रैक की लेंथ है 3 और उसकी स्पीड है 15, तो 3/15, और सुनील का क्या सीन है, 3 आपका ट्रैक हो गया और उसकी स्पीड है 10, तो 3/10। अब जब हमें दो फ्रैक्शन है और उनका एलसीएम लेना है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, और 15 और 10 का एससीएफ लेंगे, 15 और 10 का एससीएफ कितना होता है, 5 होता है, तो बेसिकली 3/5 आवर्स, 3/5 आवर्स, यानी 3/5 आवर्स के बाद अनिल और सुनील पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो रवि तब तक में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका होगा, तो रवि अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, दैट इज 8 × 3/5 यानी कि 4.8, यानी कि 4.8। समझ गए सभी बच्चे बात, यस और नो, डन है ना, तान्या हार्दिक सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर। ठीक है चलो, तो यार यहां पर हमारे खत्म होते हैं कैट 20 के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग शुरू करेंगे कैट 21 से, तो यहां पर हमारे कैट 20 की पूरी कहानी खत्म होती है। अब 21 में 3 क्वेश्चन आए थे, हर स्लॉट में 1 क्वेश्चन आया हुआ था। अब जैसे देखो कैट 20 में कितने क्वेश्चन आए हैं, अगर आप देखो कैट 20 में बहुत क्वेश्चन आए थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 क्वेश्चन, मतलब कैट 20 में टोटल 11 क्वेश्चन आए हुए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, यानी पर स्लॉट आप कह सकते हो 3 क्वेश्चन आए हुए थे कैट 20 में, कैट 20 में पर स्लॉट 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन कैट 21 में, कैट 21 में पर स्लॉट 1 क्वेश्चन आया हुआ था। हम समझ रहे हो ना, अगर पर स्लॉट अगर 11, तो 11 भी मतलब आप समझो, मतलब 3 to 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पर स्लॉट कैट 20 में मैटर करता है, पर स्लॉट 3 से 4 क्वेश्चन, कैट 21 में 1 ही क्वेश्चन आया, जहां तक मुझे उम्मीद है तो कैट 22 में हो सकता है, मतलब 1 से तो ज्यादा ही आएंगे आपकी बार, ठीक है, 1 से ज्यादा आएंगे आपकी बार, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पर स्लॉट में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट से नहीं तान्या, 7
सेवन या एट के अराउंड में स्टार्ट करूंगा सितंबर में, जैसा भी होगा मैं अपडेट डालूंगा। ठीक है, डन। और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ढंग से पूरा अलजेब्रा में पढ़ा रहूंगा और करेंगे उस पर भी। ठीक है जी, चलो तो आते हैं यार कैट 21 के क्वेश्चंस पे आते हैं। उससे पहले मैं आपके 2 मिनट लूंगा, कुछ स्लाइड है मैं इनको समअप कर दूं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, कैट 21 के 3 क्वेश्चन वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यार मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, वहां पर आकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, unacademy_raman, यू कैपिटल, unacademy_ के साथ रमन कैपिटल आर। अच्छा, यहां पर यार अभी राइट नाउ जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 2 बैचेस देखने को मिलेंगे। एक है परफेक्ट स्कोर बैच फॉर कैट 22, 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और इसमें क्वांट्स का पोर्शन मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी इसमें 1 सितंबर से। ठीक है, 1 सितंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये बैच में आप सभी को। और एक है लाइट बैच फॉर कैट 23। ठीक है, ये भी 26 अगस्त से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अनअकैडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन है वो 2 कैटेगरी का, दैट इज प्लस और आइकॉनिक। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस पूरी आपका इंटरेक्टिव क्लासेस, वेल स्ट्रक्चर वे में कोर्स, ओपन हाउस, अनअकैडमी कम्युनिटी, लाइव टेस्ट क्विजेस और आस्क अ डाउट, मतलब अपना माइक ऑन, हैंड रेज करो, माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको डिजिटल के साथ साथ फिजिकल नोट्स भी मिलते हैं, आपको GDPI वैट के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाती है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन चलते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस, ये सब आपको देखने को मिलता है। ओके, फी स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसका क्या कॉस्ट है वो आपके सामने यहां पर मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। और नो कॉस्ट EMI, मतलब कि आप वन शॉट में पे करो ठीक है, नहीं तो आप EMI भी बनवा सकते हो। रेफरल कोड यूज करना मत भूलना, दैट इज RMN10, मेरा नाम रमन है उसी का शॉर्ट फॉर्म है RMN10, तो ये रेफरल कोड आप यूज कर लेना। इससे होगा क्या, फिलहाल में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आपके बनते हैं, उसको भी रिडीम कर लिया करो, उधर से भी कुछ 500-1000 रुपए टाइप डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, चलो और आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है यार कैट 21 का, आजा भाई, ये रहा, एक बार ट्राई करना, होता है अच्छी बात है, अदरवाइज मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो एक बार आप लोग ट्राई करें, जैसे मैंने कहा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं करता हूं डिस्कस। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, देखो समझे बात को, देखो इसमें क्या कहता है, कहता है 2 ट्रेन है क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकंड व्हेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक। ठीक है, तो 2 ट्रेन है, जैसे मैंने बोला 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकंड व्हेन रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अलोंग पैरेलल ट्रैक। ठीक है, एंड द फास्टर इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेस अ लैंप पोस्ट इन 12 सेकंड। इफ द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन इट्स लेंथ इन, तो इसकी लेंथ के बारे में बात करनी है। तो यहां पर आप देखोगे, पहले तो दोनों ट्रेन के बारे में बात बोली है कि भाई ये जो दोनों ट्रेन है ये एक दूसरे को 14 सेकंड में क्रॉस करते हैं जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक, तो चलो यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर दोनों ट्रेन पे मैं लिखूंगा तो देखो लेंथ पता नहीं है, तो मैं लिखूंगा L1 + L2 की, भाई लेंथ तो मुझे पता नहीं क्या है। ठीक, फिर उसके बाद बात आई स्पीड की, तो स्पीड भी नहीं पता मुझे, अच्छा डायरेक्शन ऑपोजिट है, स्पीड ऐड हो जाएगी, S1 + S2 हो जाएगा और इनटू में 5/18 भी करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि टाइम सेकंड्स में है तो स्पीड आपकी, और देख रहे हो ये ऑप्शन भी सारे मीटर में है, और नॉर्मल ये होता है कि लेंथ वगैरह मीटर में दी जाती है, टाइम सेकंड में होता है, तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करना बनता है और टाइम कितना 14 है, मतलब पहली इंफॉर्मेशन पड़ी, जो दिखा वैसा मैंने लिख दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, तो उसमें कहता है जो फास्टर ट्रेन है वो 160 मीटर लंबी है
और वो एक लैंप पोस्ट को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बढ़िया यार, यहाँ से अपने को लेंथ जो है, मतलब जो आपकी ट्रेन है वो एक लैंप पोस्ट को के बारे में बात दी गई है। तो जब ट्रेन एक लैंप पोस्ट को पार करती है, जैसे ट्रेन इसको पार करेगी, तो डिस्टेंस आप क्या लोगे, दैट इज ट्रेन की लेंथ विच इज 160, है ना। स्पीड क्या है फास्टर ट्रेन की नहीं पता, तो ऐसे एस एफ लिख दो, और इंटू में टाइम कितना लगता है 12 सेकेंड। तो यहां से स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन कितना आ जाएगा, तो 160 डिवाइडेड बाय 12, 160 डिवाइडेड बाय 12। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 4 थ्री जा और ये जाएगा 40 पे, तो स्पीड आ गई 40/3। लेकिन स्पीड आ रही है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में सेकंड में, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करूंगा मैं, 18/5 कर दूंगा मैं। तो 5 इसको 8 पे कट करेगा, 3 इसको 6 पे कट करेगा, तो 8/6 मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज 48 आ जाएगा। या काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, या चलो ठीक है ऐसी रहने दो। कितना हो गया, 3 इसको 6 पे कट करेगा और 5 इसको 8 पे कट करेगा, तो 8/6 = 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो स्पीड होगी स्लो ट्रेन की, तो जो स्पीड होगी स्लो ट्रेन की वो कितनी हो जाएगी, 48-6 यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने बोला दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में 14 सेकंड में क्रॉस करती हैं। फास्टर ट्रेन की लेंथ कितनी है, दैट इज 160। स्लोअर ट्रेन की लेंथ कितनी है, नहीं पता। अच्छा, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड को ऐड कर दो, 48 और 42 यानी कि 90 हो गया, इंटू में 5/18 और इंटू में 14, राइट। देन अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां पर 18 जो है वो इसको कैंसिल आउट करेगा 5 पे, 5/5 = 25 को 14 से करूंगा तो अपना 350, 350 हो गया, 160 माइनस करूंगा 190 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, डन है, बात क्लियर सभी को। अच्छा आ गए थे वैसे कई बच्चों के, हार्दिक, कनिष्का, तान्या, बहुत बढ़िया, डन है, कोई डाउट तो नहीं, समझ आया, यस 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 यस, बढ़िया, सही है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगली बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट सुनना मेरा, अगला क्वेश्चन ये वाला आप लोग ट्राई करो यार, ये क्वेश्चन ना मतलब है तो बड़ा बेसिक सा, मुश्किल से एक लाइन का आंसर है इसका, बस ऐसे आपको एक लाइन लिखनी, आंसर आ गया, लेकिन वही है कि थोड़ा ना समझने के तौर पे कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं चाहूंगा आप इसको पढ़ो, आप इसमें लो एक मिनट लो पूरा ढंग से, ठीक है, आराम से पढ़ो कि किस चीज का टाइम दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कैलकुलेशन वाइज कुछ नहीं है, कैलकुलेशन में तो बस एक लाइन लिखनी है आपको, बात खत्म, बस एक सिंगल लाइन लिखनी है, बात खत्म हो जाएगी, बट समझना, क्वेश्चन को समझने का खेल है सारा, कि दो ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयर स्पीड आर इन द रेशो 5:3, स्पीड इनकी 5:3 के रेशो में, डायरेक्शन ऑपोजिट है, अच्छा, कहता है द फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड है आपका, द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉसेस द रियर एंड, क्रॉसेस द रियर एंड ऑफ बी 46 सेकंड आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द टू ट्रेन हैड क्रॉस ईच अदर, ठीक है, इट टुक 69 सेकंड फॉर द रियर एंड ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, जैसे मैंने कहा समझ का खेल है, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसा बस एक लाइन लिखोगे बात खत्म हो जाएगी। अच्छा इसमें चार ऑप्शन होने चाहिए ना, मैंने कम, दो ही ऑप्शन, अच्छा लास्ट में भी एक ऑप्शन है, 3:2 भी है यहां पर, 3:2 भी है ऑप्शन में, 2:3, 2:1 वगैरह, अगर नहीं होता है तो चैट के थ्रू बताना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, क्योंकि अगर मैंने ये क्वेश्चन बता दिया ना फिर क्वेश्चन का मजा खराब है, क्योंकि बस थोड़ा सा ही समझना है क्वेश्चन को, ठीक है,
इतना भी वो नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देके समझना आपने क्वेश्चन, और कुछ खास नहीं है। मेन है लेंथ को जज करना, मेन है लेंथ को जज करना, ये जो रेयर एंड फ्रंट एंड, बाकी मैं बता देता हूँ, पॉइंट ये होता है ये जो ट्रेन है ना, अब ये ट्रेन है तो ये जो फ्रंट मतलब जो इंजन वाला पार्ट है इसी को हम लोग फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है, और ये होता है हमारा रेयर एंड होता है, ठीक है, ये जो बिल्कुल लास्ट में होता है दैट इज द रेयर एंड। हालांकि पता ही होगा मैंने फालतू में लिखा है, ठीक है। गुड आफ्टरनून आलम, करें जरा डिस्कशन करें इसके ऊपर। आया समझ में सभी बच्चों को या करें डिस्कशन? मैं वेट करूं क्या 1 मिनट का या करा दूं? एकेडी, चलो समझते हैं बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना मेरी बात को तसल्ली से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है मेरा आलम, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो मुद्दे पे आते हैं, बात को सुनना। देखो ट्रेन ए एंड बी वर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, जैसे लिखने का तो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बताऊं इसका आंसर सिर्फ इतना सा है, आंसर तो इतना सा है कि सर दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब वो 46 सेकंड वाला केस है, 69 सेकंड वाला केस है, दोनों में ही ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी स्पीड तो सेम ही रहेगी सर दोनों में, दोनों केसेस में स्पीड तो सेम ही रहनी है। पहले वाले में क्या हो रहा है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, कि सर दोनों केसेस में देखो स्पीड तो सेम है, ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड दोनों केसेस में क्या है, सेम है, राइट। अब सर यहाँ पे जो आई वुड से जो टाइम दे रखा है ना, कि यहाँ पर आपको ये समझना होगा बात को, कि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना, कि ये जो 46 सेकंड लग रहे हैं, ये 46 सेकंड लग रहे हैं, 46 सेकंड के दौरान हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ बी ट्रेन मतलब जो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ बी ट्रेन होगी, और 69 सेकंड में जो लेंथ ली जाएगी वो लेंथ ऑफ ए ट्रेन ली जाएगी, और काट के आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 2 और 3, तो ए से बी के लेंथ का रेशियो बनेगा 3:2, तो आंसर तो सिर्फ इतना सा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर सिर्फ इतना सा है, राइट, लेकिन पॉइंट वही है कि क्वेश्चन को समझना ही तो मेन खेल है ना, आंसर में कुछ नहीं है बट उसको स्टेटमेंट को समझना मेन खेल है। तो आप ना तसल्ली से मेरी बात को सुनना, देखो अगर मैं फर्स्ट वाला केस उठाता हूँ, तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या बोला है, पहले तो हो गया दो ट्रेन ए और बी है वर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड 5:3 का रेशो। अब ये कहता है द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड, द फ्रंट एंड जो ट्रेन का है क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी 46 सेकेंड आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन्स हैड क्रॉस, मतलब ध्यान से सुनना, ये मान लो आपकी ए ट्रेन है, दिस इज ए ट्रेन, ठीक है, ये आपकी ए ट्रेन है, ओके, ये फर्स्ट केस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये है आपकी ए ट्रेन। अब ए ट्रेन का जो फ्रंट है, ए ट्रेन का जो फ्रंट है वो आपके जो फ्रंट की मैं बात करूं, ये जो ए ट्रेन का फ्रंट है वो बी ट्रेन के रियर एंड को क्रॉस करेगा 46 सेकंड बाद। लेकिन 46 सेकंड कब स्टार्ट हुए, मुद्दा ये कि 46 सेकंड स्टार्ट कब हुए, क्योंकि एक बात देखो, अगर मैं कहता हूं जैसे सपोज ये ट्रेन है, ठीक है, ये इस ट्रेन का फ्रंट एंड, ये इसका रियर एंड, और ये एक और ट्रेन है, ये इसका फ्रंट और ये इसका रियर, अगर मैंने बोला इस ट्रेन का फ्रंट एंड इस ट्रेन के रियर एंड को क्रॉस कर रहा है, तो भाई ये रहा ना, ये देखो ये हो गया क्रॉस, इसमें 46 सेकंड कैसे लग गए। अगर यहां पर पॉइंट है आपको एक रियर एंड को क्रॉस करना है सिर्फ, पूरी की पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, जैसे वो ये नहीं कह रहा पूरी ट्रेन, वो कह रहा है कि ये जो रियर एंड दिख रहा है ये एंड, ये फ्रंट एंड, ये रियर एंड, फ्रंट एंड ने रियर एंड को क्रॉस कर दिया, लेकिन बात ये है कि फ्रंट एंड ने रियर एंड को क्रॉस करा बट ये कैलकुलेशन स्टार्ट कब करी, मतलब कब हमने ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि भाई देखो ये इसको क्रॉस कर गया, कब हमने स्टार्ट किया। अब जैसे आप एक बात को समझो,
अब एक क्वेश्चन होता है, आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक चीज होती है कि ये मैं खड़ा हूं, एक मैं ये लिख रहा हूं कि ट्रेन क्रॉसेज अ मैन। एक तरफ मैंने बोला ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन, लाइक आई वुड से ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड। तो आप इसमें ये मीनिंग निकालते हो ना कि सर ये आदमी है तो ये ट्रेन, इसको ये पूरी की पूरी ट्रेन 20 सेकंड में इसके आगे से निकल गई, पूरी ट्रेन। लेकिन अब मैं बोलूं कि जो ट्रेन का फ्रंट एंड है, जो ट्रेन का फ्रंट एंड है वो क्रॉस करेगा मैन को, वो क्रॉस करेगा मैन को। तो मेरे भाई ये रहा ट्रेन का फ्रंट एंड, ये रहा आदमी, ये हो गया क्रॉस। पूरी ट्रेन थोड़ी क्रॉस करनी है, ये रहा फ्रंट एंड, आदमी को क्रॉस करना है, ये हो गया क्रॉस। तो इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये बात बताओ समझ में आई कि इस काम में तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ना। डन है कनिष्का, हार्दिक? तो इसके लिए कि जो फ्रंट एंड है वो इस आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगा, तो इसके लिए मैं क्या बताऊंगा। अब जैसे मान लो टाइम डालना, लाइक, क्योंकि ऐसे में तो एक माइनर सेकंड भी नहीं लगेगा, ये फ्रंट एंड आदमी को क्रॉस कर गया, माइनर सेकंड भी नहीं लगा। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, अगर एक क्वेश्चन बना रहे तो मैं बोलूंगा भाई एक ट्रेन है जो 200 मीटर दूर से आ रही है, एक ट्रेन है जो इस आदमी ने 200 मीटर दूर से देखी, और 200 मीटर दूर से आते हुए, मतलब ट्रेन, इस ट्रेन का जो फ्रंट एंड है, ट्रेन फ्रंट एंड जो है वो क्रॉस करता है आदमी को, मान लो मैंने बोला इन 20 सेकंड। तो यार 20 सेकंड थोड़ी लग जाएंगे फ्रंट एंड को क्रॉस करने में, 20 सेकंड थोड़ी लगेंगे, क्योंकि बस फ्रंट एंड को इसके आगे से निकलना है, बट ट्रेन का ये जो फ्रंट का हिस्सा है ना, बस इसके आगे से निकल जाए, इसमें 20 सेकंड थोड़ी लग जाएंगे। तो फिर 20 सेकंड के लिए कहीं ना कहीं मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ऑब्जर्वेशन कहां से स्टार्ट करी, मैंने ऑब्जर्व करना कहां से स्टार्ट किया। तो मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया 200 मीटर के डिस्टेंस से। तो मैं बोलूंगा ट्रेन का फ्रंट एंड आदमी को क्रॉस करता है 20 सेकंड में, आफ्टर आफ्टर जब आदमी ने उसे 200 मीटर के डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया, जब आदमी ने देखा ट्रेन 200 मीटर दूर थी, वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है। तो सेम चीज यहां पर कि जो फ्रंट एंड है ए ट्रेन का, वो बी ट्रेन के रियर एंड को क्रॉस करता है 46 सेकंड में, पर कब, ये चीज ऑब्जर्व कब की गई है, आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन हैड क्रॉस ईच अदर, यानी कि जब इन दोनों ट्रेन के फ्रंट एंड ने एक दूसरे को क्रॉस किया, जो ये बी ट्रेन है, जैसे ही इनके फ्रंट एंड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया, ये जो टाइमर है मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको स्टार्ट करा। और टाइमर को ऑफ कब किया मैंने, टाइमर को मैंने ऑफ किया जैसे ही आपकी ट्रेन का, ये जो ट्रेन थी ना, ये वाली ट्रेन, जैसे ही मेरी ए ट्रेन का फ्रंट एंड, फ्रंट एंड क्योंकि ये बी का रियर एंड है, तो जैसे ही मेरी ट्रेन का जो फ्रंट एंड है और इसका रियर एंड एक दूसरे के सामने होंगे, क्योंकि यार सामने आ चुके हैं, अब क्रॉस करने में माइन, बस क्रॉस ही तो करना रह गया है ना, बस क्रॉस करना ही तो रह गया है। तो जब एक दूसरे, जब मेरी ट्रेन का फ्रंट एंड इस ट्रेन के रियर एंड के ऐसे सामने आ गया ना, मैं टाइमर ऑफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब एक ही, मतलब तुरंत क्रॉस ही हो जाएंगे, अब बिल्कुल माइनर से सेकंड में क्रॉस हो जाएंगे। तो आप समझो टाइमर कब स्टार्ट हुआ, ये ए ट्रेन, ये बी ट्रेन, टाइमर स्टार्ट हुआ, ये बी ट्रेन है, ठीक है, ये वाली ट्रेन ए है, ये बी ट्रेन है। टाइमर स्टार्ट हुआ जब ए ट्रेन का फ्रंट और इसका फ्रंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अब जैसे ही इसके रेयर एंड पे पहुंच के इसको क्रॉस करेगा, टाइमर ऑफ। तो इसमें जो लेंथ कवर हुई है, वो लेंथ क्या कवर हो रही है, दैट इज बी ट्रेन की लेंथ कवर हो रही है। अगर आप इस ए ट्रेन के फ्रंट को देखो और इसके रेयर एंड को, तो ये ए ट्रेन का फ्रंट है, यहां से टाइमर स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड, जैसे ही इसके आगे से निकला, टाइमर ऑफ। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो 46 सेकंड बोले गए, इसमें जो आप लेंथ लोगे ना, इसमें जो आप लेंथ लोगे, वो लेंथ लोगे आप बी ट्रेन की लेंथ लोगे, ये बात पकड़ में आई। स्पीड क्या लोगे, स्पीड क्या लोगे, अगर एक ट्रेन की स्पीड 5 है, दूसरे की 3, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी 8x। और टाइम कितना लगा, तो टाइम लगे 46 सेकंड। ये बताओ समझ आए, ये जो पहले वाला है, ये जो यहां से यहां तक की लाइन बोली गई ना, ये लाइन, ये 46 सेकंड वाली की बात कर रहा हूं बस मैं, ये बस यहां तक एक बार बताना चैट में, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो बच्चों को कंफ्यूज कर गई थी एग्जाम में। क्वेश्चन इजी था बट स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग थी। रजत, प्रशांत, पलक वगैरह सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, आगे समझ में? बढ़िया 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 बढ़िया।
अब आगे, अब अगले वाले पे आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट वाला केस, है ना, ये फर्स्ट वाला केस हो गया। अब जरा बात करते हैं सेकंड वाले केस पे। ये तो चलो फर्स्ट वाला केस हो गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला केस। अब आते हैं जरा सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले में क्या बोला हुआ है, सेकंड में क्या था, इट टुक अनदर 69 सेकंड फॉर द रियर एंड्स ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब यहां पर देखो, ये ए ट्रेन थी और ये बी ट्रेन थी। ये ए ट्रेन का इंजन यहां पर था, पहले 45 सेकंड लगे इस ए ट्रेन के फ्रंट को इसके रियर एंड पे पहुंचने पे, 46 सेकंड हो चुके हैं। अब 69 सेकंड लगे इनके रियर एंड को क्रॉस होने में। तो देखो, इस ट्रेन, ए ट्रेन का फ्रंट यहां है, अब इसके रियर एंड पे फोकस करो, ये जो बी ट्रेन है ना, इसके रियर एंड पे फोकस करना। अब जब ये क्रॉस करेंगी, अब मैं चाहता हूं इसका रियर एंड और इसका रियर एंड क्रॉस हो जाए, तो इसका रियर एंड पे फोकस करना। अब जब ये ट्रेन मूव करेगी तो ये बेसिकली ए को क्रॉस कर रही है, और जैसे इनके रियर एंड सामने आएंगे ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। तो अब की बार यहां पर टाइमर कब स्टार्ट हुआ, अब समझते हैं एक बार। ये रही आपकी बी ट्रेन, और ए ट्रेन की लेंथ मान लो ऐसे छोटी लेंथ ले लो या लंबी लेंथ ले लो, वट एवर दैट डजेंट मैटर। तो ये मान लेते ए ट्रेन है, ठीक है, और ये बी। तो ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, ये रहा ए ट्रेन का फ्रंट, ये इसका रियर एंड, ये इसका रियर एंड, ठीक है, और ये मेरी ए ट्रेन का रियर एंड, ठीक। अब 69 सेकंड किसमें लगे, ऑब्वियसली जब इसका फ्रंट इसके आगे से निकला, अब रियर एंड ने क्रॉस करना है। अब टाइमर कब ऑफ होगा, टाइमर ऑफ होगा जब ये जो बी ट्रेन है ये यहां पर होगी, मतलब इसका रियर एंड यहां पर होगा और फ्रंट यहां पर होगा। तो बेसिकली अब बी ट्रेन को ए ट्रेन, क्योंकि अब इस रियर, ये रियर एंड है, ठीक है, और ये रियर एंड है, अब अगर क्रॉस करना है तो इस वाले रियर एंड को बेसिकली ये लेंथ कवर करनी है ना, पूरी ए ट्रेन की लेंथ कवर करनी है। अब ए ट्रेन की लेंथ कवर करनी है, तो अब जो लेंथ है सेकंड केस में, जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ ए ट्रेन। अच्छा, स्पीड तो वही रहेगी, स्पीड तो अपनी वही रहेगी, दैट इज 8x, और टाइम दैट इज 69 सेकेंड, दैट इज 69 सेकेंड। अब यहां पर इन दोनों केसेस में, स्पीड तो सेम है, 8x 8x स्पीड सेम है दोनों में। अब अगर स्पीड सेम है, अब दोनों केसेस में जो स्पीड है वो सेम है, तो अगर स्पीड सेम है तो आपका जो लेंथ, मतलब जो डिस्टेंस होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो दोनों की लेंथ होगी, ए ट्रेन और बी ट्रेन की जो लेंथ होगी, वो जो भी टाइम लग रहा है, ए ट्रेन वाले केस में 69 टाइम लग रहा था, इसमें 46, तो दैट विल बी 3:2। तो ये आंसर होगा 3:2, क्योंकि दोनों केसेस में स्पीड तो सेम है ना। तो वही मैं कह रहा था कि अगर क्वेश्चन समझ आया तो मुश्किल से 1 सेकंड का आंसर है। अगर समझ आने के बाद तो बस यही है ना कि यार स्पीड सेम है, पहले में बी ट्रेन की लेंथ है, दूसरे में ए ट्रेन की लेंथ है, टाइम को काटो, 3 से 2 आंसर है। एग्जैक्टली हार्दिक, नहीं, इररिलेवेंट नहीं कहेंगे हार्दिक, इररिलेवेंट नहीं बोलेंगे, रिलेवेंस है, बट द पॉइंट इज रिलेवेंस ये है कि स्पीड सेम है, क्योंकि स्पीड सेम है तभी तो मैंने बात बोली कि डिस्टेंस और टाइम के रेशियो इक्वल होंगे। मतलब जो स्पीड, ये 5:3 जो दिया गया है उसका यूज सिर्फ इतना ये जानने के लिए कि भाई स्पीड सेम है। मतलब इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो हालांकि हार्दिक, कि सर अगर 5:3 इस क्वेश्चन में ना भी लिखा होता तो भी आंसर आ जाता। आप ये बात तो खैर कह सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में अगर 5:3 ना भी लिखा होता आंसर तो भी आ जाता। पक्का समझ आया ये क्वेश्चन सभी बच्चों को? हाँ, अब हालांकि ये कह सकते हो, जैसे हार्दिक अभी पीछे कह रहा था, हार्दिक नहीं, आई थिंक कल एक बच्चे से, तो वो कह रहा था कि सर ऐसा होता है क्या कि किसी स्लॉट में एक चैप्टर, मतलब एक इजी क्वेश्चन आ गया, डिफिकल्ट आ गया। तो मैं देखो यार, वैसे अब आप किसी को अगर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट ना लगाओ तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज सही बताओ एग्जाम में बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। अब आप खुद सोचो, एक ये क्वेश्चन है, ये आया स्लॉट 1 का क्वेश्चन, ये था स्लॉट 1 का क्वेश्चन, ठीक, और ये था कैट 21 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, ठीक है। आपको नहीं लगता स्लॉट 1 वाला इजी था ज्यादा? मतलब इजी तो ये भी है, लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग थी ना बच्चे के लिए, क्योंकि एग्जाम में ना थोड़ा टाइम प्रेशर होता है बच्चे पे, रिस्क वो लेना नहीं चाहता, है ना, वो ऐसे तुक्केबाजी नहीं करता एग्जाम में बच्चा, ठीक है। तो स्लॉट 1 में अगर देखोगे, ट्रेन का क्वेश्चन काफी इजी था, यहां पर थोड़ा सा ये सोचने वाला क्वेश्चन था, अगर क्लिक हो जाए तो बहुत इजी लगा, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, राइट। लेकिन ऐसा ना कभी कभी किसी चैप्टर में होता है, जैसे कल एक बच्चा शौमित पूछ रहा था तो कि सर ऐसा, शौमित आई थिंक कोई बच्चा था, कि सर ऐसा होता है कि किसी चैप्टर में, मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर है, स्लॉट 1 में इजी क्वेश्चन है, स्लॉट 2 में डिफिकल्ट है,
ऐसा हालांकि बहुत रेयर देखा है मैंने, बहुत रेयर देखा है, मैंने पर्सनली देखा है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस का स्लॉट वन में इजी क्वेश्चन है तो स्लॉट टू स्लॉट थ्री में भी इजी रहता है। लेकिन हाँ ऐसा मतलब 90% केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्लॉट वन में इजी तो स्लॉट टू में डिफिकल्ट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, स्लॉट थ्री का क्वेश्चन था ये, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, ये था स्लॉट थ्री का CAT 21, और ये है हमारे इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के PYQ का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है यार, फिर आगे बातें करेंगे। तो एक बार देख लो आप क्या बोलता है, कहता है मीरा और अमल वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन देन इन 45 मिनट अमल कंप्लीट एग्जैक्टली 3 मोर राउंड देन मीरा। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो जो अपना अमल है वो मीरा के कंपेरिजन 3 राउंड ज़्यादा घूम जाता है। ठीक है, और इफ दे वॉक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये 3 मिनट के बाद, आफ्टर 3 मिनट ये पहली बार मिलते हैं, आफ्टर 3 मिनट ये पहली बार मिलते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ राउंड बताने, मीरा वॉक इन एन आर, मतलब मीरा 1 घंटे में कितने राउंड घूम जाएगी ये बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहां पर आप एक चीज अगर थोड़ा समझो हाँ, और ये स्लॉट वन स्लॉट टू से भी डिफिकल्ट हो गया। चलो सुनना, अच्छा देखो इसमें जो आपसे पूछा गया, जैसे नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड की कोई यूनिट होती है क्या? अगर मान लो इस क्वेश्चन का आंसर 3 है तो 3 के क्या कोई यूनिट होगी, जैसे किलोमीटर पर आवर, मीटर या सेकंड, ऐसा कोई यूनिट होगी क्या इसकी? कोई नंबर ऑफ राउंड की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं ना, सिंपल होता है ना, 3 राउंड, कि आज आपने पार्क के कितने राउंड लिए सर? 3। ऐसे नहीं बोला सर आज मैंने पार्क के 3 लीटर राउंड लिए। ठीक है, तो राउंड, नंबर ऑफ राउंड की कोई यूनिट नहीं होती है, राइट? तो इसलिए आप एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ना तो आपको डिस्टेंस पता, ना तो इसने आपको डिस्टेंस बता रखा है कि ट्रैक की लेंथ कितनी है, ना ही इसने स्पीड बता रखी है ना, ना तो इसने स्पीड बताई ना ही इसने लेंथ बता रखी है, तो कहीं ना कहीं यूनिट का इतना बड़ा रोल है नहीं। बाकी आप मेरी बात को सुनना, देखो पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इसने एक बात बोली है, कहता है कि 45 मिनट के अंदर अमल मीरा से 3 राउंड ज्यादा रोटेट करता है। 45 मिनट में अमल मीरा से 3 राउंड ज्यादा रोटेट कर जाता है, 3 राउंड ज्यादा रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आया ना, इसका मतलब अगर 45 मिनट में, ठीक है ना, अमल अमल टेक 3 राउंड, 3 राउंड एक्स्ट्रा, अगर 45 मिनट में अमल 3 राउंड एक्स्ट्रा लेता है तो इसका मतलब हुआ कि वो 15 मिनट में जो अमल है वो 1 राउंड एक्स्ट्रा घूमेगा। यस और नो, मीनिंग तो ये है ना कि भाई अमल अगर ऑब्वियसली, और ये इतना लिखना नहीं है, मन में सोच लोगे आप लोग कि सर अमल अगर 45 मिनट में 3 राउंड एक्स्ट्रा घूमता है तो 1 मिनट में 1 राउंड एक्स्ट्रा घूमेगा, सॉरी 15 मिनट में 1 राउंड एक्स्ट्रा घूमेगा। क्लियर? अच्छा देखो मेरी बात को सुनना, अगर अब देखो दोनों के, मैं आता हूं, देखो अमल की जो स्पीड है, जो अमल की स्पीड है वो आप मान लो कि अमल की जो स्पीड है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, कि जो स्पीड है किसकी? अमल की, है ना। अब देखो ट्रैक की लेंथ तो मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैं ऐसे मान लेता हूं अमल की जो स्पीड है वो क्या है, दैट इज, और क्योंकि टाइम मिनट में गिवन है ना, तो मैं लिखूंगा दैट इज ए यूनिट, क्योंकि मुझे नहीं पता यूनिट क्या लेनी है, किलोमीटर मीटर क्या है, तो मैंने ए यूनिट पर मिनट लिख दिया क्योंकि टाइम मिनट में। तो अमल की जो स्पीड है ना घूमने की वो है ए यूनिट पर मिनट, और जो स्पीड है, और जो स्पीड है मीरा की वो मान लो आपकी है दैट इज एम यूनिट पर मिनट, ऐसा आप अपने मन में सोच लो। ठीक, तो जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर पहली बात चल रही है सेम डायरेक्शन की, है ना, पहले चलते हैं सेम डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में वो 1 राउंड एक्स्ट्रा घूमता है 15 मिनट में, 1 राउंड एक्स्ट्रा 15 मिनट में घूमता है। यानी एक बात बताओ,
जो अमल है आपका, आप ऐसे समझना, जो अमल है, अमल वो 15 मिनट में, अगर उसकी स्पीड है ए यूनिट पर मिनट, तो वो 15 मिनट में कितना भागेगा, दैट इज 15 ए, यस और नो? 15 ए जो अमल है उसकी स्पीड है ए यूनिट पर मिनट, तो 15 मिनट में कितना भागेगा, 15 ए। मीरा कितना भागेगी, मीरा भी सेम डायरेक्शन में भाग रही है, मीरा भागेगी 15 m। और अमल मीरा से एक राउंड एक्स्ट्रा लेता है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका डिफरेंस लिख दूं, तो ये 15 a माइनस 15 m क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, दिस इज व्हाट, ट्रैक की, जो ट्रैक की लेंथ है उसको इंडिकेट कर रहा है 15 a माइनस 15 m, यस और नो बताओ। अगर 45 मिनट में अमल मीरा से तीन राउंड एक्स्ट्रा लेता है, तो 15 मिनट में वो एक राउंड एक्स्ट्रा लेगा। अमल की स्पीड है ए यूनिट पर मिनट, मीरा की स्पीड है एम यूनिट पर मिनट, तो अमल 15 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 15 a, मीरा ट्रैवल करेगी 15 m, तो 15 a माइनस 15 m कहीं ना कहीं ट्रैक की लेंथ है, यस और नो, एक बार ये बताना। क्योंकि भाई 15 मिनट में अमल कितना भागेगा, दैट इज 15 a, मीरा कितना भागेगी, 15 m, और क्वेश्चन में लिखा है कि अमल मीरा से एक राउंड एक्स्ट्रा भागता है, तो मतलब इनका जो डिफरेंस है वो ट्रैक की लेंथ के इक्वल ही तो हुआ, एक बार ये बताएगा, आप बताओगे, आप सभी बच्चे चैट में, वैलिड है ना पॉइंट, ठीक। अच्छा अब इधर आ जाओ, अब ये कहता है जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब अमल भागा ऐसे, मीरा भागी ऐसे, तो ये 3 मिनट में कितना भागेगा, अमल 3 मिनट में भागेगा 3 a, मीरा भागेगी 3 m, अमल भागा 3 a, मीरा भागी 3 m, तो दोनों ने मिलके एक राउंड कंप्लीट किया, क्योंकि बोला ना कि जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो पहली बार मिलते हैं 3 मिनट बाद, तो अमल भागेगा कितना, 3 a, मीरा भागेगी 3 m, और 3 a 3 m भाग के पूरा मिल जाएंगे, तो ये टोटल में ये भी क्या है, 3 a प्लस 3 m क्या है, दैट इज ट्रैक की लेंथ, ट्रैक की लेंथ है ये भी। अब जब दोनों ही ट्रैक की लेंथ है तो इक्वल टू आना ऑब्वियस है, 15 a में से 3 a गया तो 12 a आ जाएगा, ये धरा करके 18 m आ जाएगा, तो यहां से a अपॉन m कितना आएगा मेरा, दैट इज 18 बाय 12, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो दिस इज 3 एंड दिस इज 2, तो अमल की स्पीड अगर 3 यूनिट है तो मीरा की स्पीड 2 यूनिट है, ठीक है ना, अमल की स्पीड 3 यूनिट तो मीरा की स्पीड 2 यूनिट। अब ये कहता है कि नंबर ऑफ राउंड मीरा मेक इन 1 आवर, मीरा एक, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि मीरा एक घंटे में कितने राउंड घूम जाएगी, एक घंटे में मीरा कितने राउंड घूमेगी, तो मेरे भाई मीरा की स्पीड है 2 यूनिट पर मिनट, है ना, मीरा की स्पीड आ रही है कितनी, ये जो मीरा की स्पीड आई है ये क्या आई है, मैंने यूनिट पर मिनट में माना था ना, तो 2 यूनिट पर मिनट जो मीरा की स्पीड आई है वो कितनी आ रही है मेरी, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, एक मिनट, तो यहां से इसको माइनस किया तो कितना है मेरा 12 a, और यहां पर आया 18 m, फिर ये a अपॉन m क्या आएगा, 18 और 12 6 के टेबल में काटूंगा तो 3 बाय 2, यानी अमल की स्पीड है 3 तो मीरा की 2, तो मैंने क्या ले लिया कि भाई जो मीरा की स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 2 यूनिट वो भागती है पर मिनट में। अब ये कह रहा है कि वो एक घंटे में कितने राउंड घूम जाएगी, तो पहले तो ये देखो मीरा एक घंटे में भागेगी कितना, तो मीरा एक मिनट में 2 यूनिट भागती है, तो एक घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना भागेगी, 2 × 60, तो पहली बात तो 60 मिनट में मीरा भागेगी 2 × 60 भागेगी, क्योंकि मीरा एक मिनट में 2 यूनिट भागती है तो 60 मिनट में भागेगी 60 × 2। अब एक राउंड कितना लंबा है, ठीक है, ये है जो मीरा की टोटल, मतलब मीरा एक घंटे में कितना भागेगी, दैट इज 2 × 60, और एक राउंड कितने यूनिट का है, एक राउंड, तो एक राउंड के लिए कोई भी वैल्यू उठा लो, ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं, ये एक राउंड की लेंथ है, तो एक राउंड की लेंथ क्या है, अगर मैं इसको देखूं तो 3 × अमल की स्पीड 3 प्लस 3 × 2, तो ये है मीरा के नंबर ऑफ राउंड, जो कि हो जाएंगे 120 अपॉन में 3 × 3 = 6, और ये 6 और 6 कितना हो गया मेरा, अच्छा 3 × 3 = 9, सॉरी 9 और 6 = 15 हो गया, तो टोटल 8 राउंड मीरा घूम जाएगी, आया समझ में, तो इस तरीके की आपको सोच रखनी है, ठीक है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं या समझ आ गया सभी को,
एक बार चैट के थ्रू बताना, पक्का ना सभी को क्लियर है? तो ये जो 45 मिनट है, इसको मैंने सिंपल क्या बोला इसके थ्रू, कि भाई 15 मिनट में एक राउंड एक्स्ट्रा होगा, वन राउंड एक्स्ट्रा, वन राउंड एक्स्ट्रा। कोई नहीं कनिष्का, दोबारा समझते, ठीक है? देखो इसमें करना क्या है ना कनिष्का, एक बार सुनना। देखो अच्छा, ये मैं लास्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करूंगा, इसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं सेशन ओवर कर दूंगा। तो अगर कोई बच्चा लीव करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है? ये मैं लास्ट क्वेश्चन ही हमारे इस प्रीवियस सर का, तो इसको मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बच्ची ने पूछा उसके लिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे, ठीक है? चलो सर, कांट वी टेक ट्रैक की लेंथ एज 15 एंड स्पीड ऑफ मीरा एज 2? ट्रैक की लेंथ 15 लोगे, क्यों? देखो पहले तो एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आता हूँ हार्दिक, फिर मैं समझ पाऊंगा आप कहाँ से ये 15:2 वाली बात उठा रहे हो। सबसे पहले ये बात समझना कनिष्का, एक बार ना चैट में फटाफट लिखते रहना जो जो मैं पूछूं, ताकि मैं थोड़ा श्योर हो जाऊं आपको समझ आ रही है कि एक बात। तो पहले अगर मैं इस वाली लाइन को उठाऊं कि 45 मिनट में अमल जो है वो 3 एक्स्ट्रा राउंड लेता है देन मीरा, तो पहले तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 15 मिनट में, 15 मिनट में अमल जो है, अमल 1 राउंड एक्स्ट्रा लेगा किससे? मीरा से। ये बात क्लियर है आपको, राइट ना? ये स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी? अच्छा, अब मैंने ये बोला था कि जो मीरा है ना, जैसे अमल है, तो जो अमल की स्पीड है, अमल की जो स्पीड है, तो आप ये मान लो कि सर जो स्पीड है अमल की वो है ए। अब जैसे लिखते हैं ना, अब देखो टाइम मिनट में है, टाइम है मिनट में, है ना? लेंथ के बारे में मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या बोल दिया, लेंथ को मैंने मीटर किलोमीटर नहीं, मैंने यूनिट बोल दिया बस, कि अमल की स्पीड है ए यूनिट पर मिनट। मतलब अमल क्या करता है ना, एक मिनट में ए यूनिट भागता है। अब वो ए यूनिट कितना है, जैसे मीटर किलोमीटर क्या है वो नहीं पता, बस यूनिट है, मान लो मीटर ही मान लो, अपने मन में आप मीटर सोच लो, सिंपल है। अगर आपको एज अ इमेजिन करना, मीटर इमेजिन कर लो कि अमल एक मिनट में ए मीटर भागता है, और जो मीरा है, मीरा वो एम यूनिट भागती है पर मिनट, ठीक? पहली लाइन पकड़ो, पहली लाइन में बोला है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में भागते हैं, पहली लाइन में क्या बोला हुआ है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो 15 मिनट में अमल मीरा से एक राउंड एक्स्ट्रा घूम जाता है, एक राउंड एक्स्ट्रा। तो अगर अमल एक मिनट में ए यूनिट भागता है, तो 15 मिनट में कितना भागेगा, दैट इज 15 ए का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर अमल एक मिनट में ए यूनिट भागता है तो 15 मिनट में कितना भागेगा, 15 ए। मीरा कितना भागेगी, दैट इज 15 एम। अब क्लियरली दिख रहा है कि अमल की स्पीड मीरा से ज्यादा है, क्योंकि 15 मिनट में अमल मीरा से एक राउंड एक्स्ट्रा घूम जाता है, एक राउंड एक्स्ट्रा घूम जाता है, ठीक है? तो जो ये अमल का डिस्टेंस है और जो मीरा का डिस्टेंस है, अमल मीरा से कितना एक्स्ट्रा भागा, अमल मीरा से कितना एक्स्ट्रा भागा है 15 मिनट में, एक राउंड एक्स्ट्रा भागा है। मतलब अगर आपके ट्रैक की लेंथ है टी, तो वो टी यूनिट एक्स्ट्रा भागा है। सो दिस इज व्हाट, ये जो 15 ए माइनस 15 एम है, ये है ट्रैक की लेंथ है, ये क्या है, ट्रैक की लेंथ है। समझ गए कनिष्का ये बात, ठीक है? फिर अगला पॉइंट मैंने ये उठाया, अगला पॉइंट मैंने ये उठाया कि जो, अब अगले ही 3 मिनट पे आते हैं, कहता है जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो ये पहली बार मिलते हैं 3 मिनट बाद, ये सेम। अब देखो यहां पर समझना, जैसे ये रहा अमल, ये रही मीरा, पहले अमल क्या करता है, 3 मिनट तक भाग, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, तो पहले अमल 3 मिनट भागेगा, मान लो अमल 3 मिनट में इतना भागा, तो अमल 3 मिनट में कितना भागा, दैट इज 3 ए। मीरा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रही 3 मिनट तक, तो मीरा ऑपोजिट डायरेक्शन में भागी, दैट इज यहां, और ये 3 मिनट बाद आपस में मिल गए, तो अमल भागा 3 ए, मीरा भागी 3 एम, तो दोनों ने मिलकर एक राउंड कंप्लीट किया, तो 3 ए प्लस 3 एम ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज ट्रैक की लेंथ, ये भी ट्रैक की लेंथ है। अब जब ये दोनों ही ट्रैक की लेंथ है, तो बीच में इक्वल टू आएगा। अब 15 ए में से 3 ए गया, तो 12 ए आएगा,
और 3M में 15M ऐड करोगे तो 18M आएगा, और फिर जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6 2 6 3, तो यहां से आपका ए अपॉन एम, एक कंपैरिजन मैंने निकाला तो ए अपॉन एम मेरा आ रहा है 3/2, यानी अमल की स्पीड है 3 तो मीरा की स्पीड है 2। समझ गए अभी कनिष्का वगैरह सभी बच्चे बात? ठीक, तो यहां से सबसे पहले अब आपको बताना क्या है, अब आपको यह बताना है कि जो मीरा है वो एक घंटे में कितने राउंड घूम जाएगी, मीरा एक घंटे में कितने राउंड घूमेगी। तो पहले ये देखो कि जो मीरा है वो एक घंटे में भागेगी कितना, एक घंटा मतलब 60 मिनट। अब मीरा की स्पीड कितनी आ रही है, दो दो यूनिट पर मिनट, यानी मीरा 1 मिनट में 2 यूनिट भागती है ना। यहां से जो मीरा की स्पीड आ रही है और जो अमल की स्पीड आ रही है 3 2 में, वो क्या आ रही है, ये स्पीड आ रही है 3 यूनिट पर मिनट, ये भी स्पीड आ रही है 2 यूनिट पर मिनट। तो मीरा एक घंटे में कितना भागेगी, यानी 60 मिनट में कितना भागेगी, दैट इज 60 × 2, ये हो गया मीरा का टोटल डिस्टेंस। कि भाई मीरा की स्पीड 2 है तो वो एक घंटा यानी 60 मिनट में कितना भागेगी, दैट इज 120 यूनिट भागेगी, 120 यूनिट। ठीक है, अब ये भागी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रही घूमती रही घूमती रही, और ऐसे में टोटल कितना भागी, 120 यूनिट भागी। और ट्रैक की लेंथ कितनी है, अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रैक की बात करूं तो कोई भी एक लाइन उठा लो जो आपको ठीक लगे, ये देख लो, ये भी ट्रैक ऑफ लेंथ है, ये भी ट्रैक ऑफ लेंथ है, तो ये ले लेते हैं, ज्यादा इजी लग रहा है, 3A 3M ज्यादा इजी है। तो 3A की जगह क्या लिखना है, क्योंकि A की स्पीड 3 है, तो 3 प्लस 3, M की जगह क्या लिखना है, 2, 3 3 जा 9, 9 6 15, यानी ट्रैक की लेंथ है 15। अब मीरा टोटल भागी है 120, उस 120 में जब वो एक बार घूमती है मतलब 15 यूनिट भागती है, मीरा टोटल भागी 120 यूनिट, और 15 यूनिट का मतलब है एक राउंड, तो कितने राउंड हो गए, 8 राउंड हो गए। समझ गए कनिष्का, हार्दिक, सभी बच्चे, आई बात समझ में? पूरी तरह से पिक्चर क्लियर? ठीक है, चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में यार, आज के लिए इतना ही है, आगे की वार्तालाप बाद में करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो। और बाकी यार वैसे तो मैंने 5 बजे सेशन रखा था, करूंगा रजत मैं ना थोड़ा फर्स्ट वीक में, मतलब सितंबर का शेड्यूल बनाऊंगा, ज्योमेट्री पे आप लोग की सेशंस लेने जो फ्री वाले बच्चे हैं, ठीक है, और अपना एलजेब्रा, ठीक है, तो वो दो चीज़ों पे डिस्कशन करना अपने को, करूंगा मैं इस पर, ठीक है। बाकी यार आप अपने सैम्पल नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं जस्ट टू चेक कि भाई नोट्स किस तरह के हैं कैसे हैं, तो आप नेम फोन नंबर ईमेल आईडी एग्री टू द टर्म्स करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जाम इन अ राइट वे, बिकॉज सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट 600+ PYQ को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं, एंड प्रैक्टिस करिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, और आपको फेमिलराइज कराया जाएगा विद द कैट के डिफिकल्टी लेवल से, इनरोल करो, ठीक है, ओके हार्दिक, चलो। और ये बच्चे हैं जिन्होंने अपना IM कन्वर्ट किया है CAT 21 के, ऐसे ही आई होप आप में से कोई CAT 22 में, यहीं कहीं दिखे किसी की फोटो, ठीक है। और RMN 10 रेफरल कोड है यार मेरा, इसको यूज करना ना भूलें, जब आप अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे 10% का फिलहाल में डिस्काउंट मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन लेके वो जो 26 से बैच स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन कर लेना, काफी यूजफुल रहेगा बैच आपके लिए। तो शुक्रिया आप सभी बच्चों का, वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर हो सके तो जरूर करना यार, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है, चल ओके बाय, टेक केयर यार, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में।